फोर्टीन शॉर्ट में शुरू करते हैं जहां पर एनी डिवाइस इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं जब चाहे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ दें जब चाहे कम इलेक्ट्रॉन कर दें तो ये कंट्रोल करने के लिए उन डिवाइसेस को बोलते हैं दो मेजर कैटेगरी है, एक है और दूसरी है सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर आएगा तो वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें हम लोग तो वैक्यूम ट्यूब्स में कुछ दीज इंक्लूड वैक्यूम डायोड पेंटोड एग्जाम्पल्स हैं

माइनस पोटेंशियल लगा देंगे तो जाना रुकेगा प्लस लगा देंगे तो और तेज जाएगा तो ऐसे कंट्रोल किया करते थे पुराने जो आते थे मेरे घर में शुरुआती दौर में जब टेलीविजन आया था टेलीविस्टा कंपनी का था तो वो इसी वैक्यूम ट्यूब्स पे बना करते थे अब वाले सब सेमी कंडक्टर्स में हैं हार्ड स्टेट पे हैं एनी वे सॉलिड स्टेट हैं ए वैक्यूम इज नेसेसरी इन इंटर इलेक्ट्रोड रीजन सो दैट है इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट लूज देयर एनर्जी ऑन कोलाइडिंग थ एयर मॉलिक्यूल्स इन देयर पाथ वैक्यूम बहुत जरूरी होता था वैक्यूम ट्यूब्स में जब इलेक्ट्रॉन निकले तो एयर मॉलिक्यूल से टक्कर खा के एनर्जी लूज ना कर जाए वैक्यूम होगा तो, तो सन्नाटे में निकल जाएंगे आगे बात समझते हैं एज द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन भाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं कैथोड से एनोड एनोड प्लस है आप जानते ही हो कैथोड माइनस है तो माइनस से प्लस जा सकते हैं भाई सो वैक्यूम ट्यूब्स आर ऑल्सो नैन एज वैक्यूम वॉल्व क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इसको वैक्यूम भी बोला जाता था तो और इनकी लिमिटेड लाइफ होती थी और लो रिलेबिलिटी मतलब क्योंकि गर्म होकर चलने वाले हैं तो ज्यादा लाइफ नहीं होती थी और रिलेबिलिटी भी नहीं उड़ जाता था तो मैकेनिक को बुलाओ ठीक करते थे साहब आके इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन नहीं जो टीवी ठीक करने वाले हैं मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके बाद सेमी कंडक्टेड आ गया सॉलिड स्टेट तो उसमें क्या फायदे हो गए कैसे काम करते हैं ये तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक इन सच कैरियर्स फ्लो थ्रू सॉलिड स्टेट ट्यूब नहीं होती सॉलिड स्टेट एक होती है उसके अंदर चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज कैरियर्स ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे खिलाड़ी भी हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों क्या होंगे इन ए सेमीकंडक्टर डिवाइस सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यानी ये केवल हीटिंग इफेक्ट पे नहीं है आप हीट करके भी काम कर सकते हैं यहां तक कि लाइट लाइट एनर्जी देके भी काम कर सकते हैं और वोल्टेज डिफरेंस तो क्रिएट करके आप तो काम कर ही सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके सेमी कंडक्टेड डिवाइसेज और स्मॉल इन साइज ये बहुत ही छोटे बनाए जा सकते हैं आजकल के टेलीविजन हैं कंप्यूटर हैं लैपटॉप्स हैं सब उसी पे मोबाइल कैलकुलेटर सब आ गए हैं सॉलिड स्टेट पे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और काफी मजबूत होते हैं कंज्यूम लो पावर ये पावर कम खर्चा करते हैं एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस बहुत लो वोल्टेजेस पे काम कर जाते हैं दे हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलेवल्टी इनकी लाइफ कम नहीं काफी लंबी होती क्योंकि हीटिंग इफेक्ट पर नहीं चल रहे हैं

इसी तरीके से इंसुलेटर्स की देखिए तो हाई रेस्टिविटी ये हाई है, और यह लो है सेमी की देखें तो ये बीच का रास्ता पकड़ते हैं बेसिक चीज है तो उसमें ज्यादा समय लगाने का कोई औचित्य नहीं है स्लाइड इसलिए बनाई कि आपको पूरा एक तरीके से स्टोरी नुमा समझ में आवे है ना क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी अब क्लासिफिकेशन सेमी के साथ

क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स एंड नेचर ऑफ द चार्ज अब यहां से बात धीरे धीरे समझने की शुरू हो जाएगी कि जब हम सेमी कंडक्टर को सोर्स और उसके चार्ज कैरियर के बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे उस समय देखिए बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जिसको आप प्योर सेमी कंडक्टर समझिए जिसमें कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती केवल सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे ले लिया तो केवल प्योर वही रहता है तो उसे बोलते हैं प्योर सेमी कंडक्टर प्योर का मतलब कोई इंप्योरिटी इंप्योरिटी नहीं है या है है या तो बहुत ज्यादा कम पार्ट इन की पावर टेन और सेमी कंडक्टर एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर क्या होते हैं एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर में क्या करते हैं दिस सेमी कंडक्टर ऑप्टेंड बाई एडिंग और डोपिंग डोपिंग का मतलब होता है जानबूझ के इंप्योरिटी मिक्स करना अभी समझेंगे हम लोग समझ भी रहे हैं तो डोपिंग से बच्चे घबराते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग तो डोपिंग कुछ नहीं है जैसे दूध में पानी मिलाता है तुम्हारा ग्वाला एक लीटर दूध लेके आया और एक लीटर पानी झोंक दिया डिलीवरेटली क्यों अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ऐसे ही डोपिंग समझो साइंटिफिक प्रोसेस है लेकिन जानबूझकर अशुद्धि मिलाई जाती है क्यों क्योंकि हमें उससे हाई कंडक्टिविटी मिलती है दैट्स ऑल कुछ भी नहीं है बहुत सरल तो द्योर सेमी कंडक्टर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक इंप्योरिटी एटम्स हैविंग वैलेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द होस्ट एटम्स यानी जो होस्ट भाई दूध में पानी मिला रहे हो ना तो होस्ट एटम्स की जो वैलेंसी है और जो इंप्योरिटी आप मिला रहे हैं वो दूध ही थोड़ी मिला रहे हैं दूध में दूध मिलाएंगे तो इंप्योरिटी थोड़ी रहे दूध में पानी मिला दिए तो जितने वैलेंस एटम पकड़े हैं जिनका वैलेंसी थी आपने प्योरिटी जानबूझ के इस वजह से मिलाई कि आप जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो जाए दूध वाला चाहता है मुनाफा बढ़ाना और आप चाहते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाना तो इसलिए इंट्रेंसिक में आप डोपिंग करते हैं क्योंकि इंट्रेंसिक सेमी में ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं मिल पाती इसलिए ज्यादा चार्ज कैरियर नहीं मिल पाते तो चार्ज कैरियर बढ़ाने के लिए एक्सट्रेंसिक में हम लोग डोपिंग कर देते हैं तो डोपिंग होगी एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक प्योर है ठीक है आगे समझते चलेंगे वैलेंस बॉन्ड फॉर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंस जहां प्योरिटी है बिल्कुल मतलब सिलिकॉन ले लियो जर्मिन तो जर्मिनियम है, तो है। सिलिकॉन की वैलेंसी चार होती है आपको मालूम है तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर दी वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद एन इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड ए होल अब ये वैकेंसी होल क्या है ये भी मैं बताता हूं आगे और इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे क्योंकि बहुत सारे नए नए शब्द या टर्म इसके अंदर आते हैं और काफी चीजें समझनी पड़ती है इसलिए बच्चा डर भी सकता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है बस उन टर्म को प्यार से समझ लेना है चलिए तो ये आपका मान लीजिए सिलिकॉन या जर्मीनियम है जिसका वैलेंसी फोर है तो फोर करके अपना बढ़िया बने हुए चार चार इलेक्ट्रॉन देखिए को वेलेंस बॉन्डिंग से बनाया बाजू वाले से ये सिलिकॉन का आइटम ये बाजू में सिलिकॉन का आइटम दोनों ने सेकेंड कर रखा है ये इलेक्ट्रॉन इसका था इसने शेयर कर लिया ये इसका था इसने शेयर कर लिया दो ये दो इधर दो इधर दो चार आठ ऑक्टेन पूरा बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है बढ़िया बैठा हुआ है ठीक अब क्या होता है रूम टेम्परेचर पे जो उसके लिए काफी ज्यादा है ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है फुदुक के बाहर चला जाता है समझ रहे हैं भाई उसको एनर्जी मिली तो चल पड़ा घूमेंगे बाहर तो कूद पड़ा बाहर जैसे ही वो कूद जाता है पीछे अपने होल छोड़ जाता है होल क्या होते हैं भी बात हम करेंगे कोई फिजिकल इंटिटी नहीं है लेकिन अपनी थ्योरी को आसानी से समझाने का रास्ता है समझेंगे बात तो जब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब थर्मली जनरेटेड मतलब हीट से रूम टेम्परेचर यानी जीरो रूम uh, टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हीट है इनके लिए उस पर ही पता लगा वो छोड़ के निकल लेता है इलेक्ट्रॉन और ये होल आपका बन जाता है तो होल एट साइट वन क्रिएट हो जाता है और होल भी आपका करंट डेवलप करता चार्ज कैरियर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर की तरह काम करता है क्योंकि दोनों ही तैयार हैं आपको चार्ज कैरियर यानी चार्जेस को चार्जेस को मूव कराने के लिए दोनों ऐसे चार्ज ट्रीट किए जाते हैं होल का ट्रीटमेंट कैसा है आगे स्लाइड्स हैं बताऊंगा तो यहां पर देखिए जितने इलेक्ट्रॉन बने हैं थर्मली जनरेटेड एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जितने बने हैं वो कितने के बराबर होंगे नंबर ऑफ होल के बराबर उतने ही होल बनेंगे वही तो सीट खाली की है वैकेंसी जो बनी है कैसे लिखना ऊपर लिख दिया जैसे आप नोट्स लिखना चाहें एग्जामिनेशन में आंसर करना चाहें तो इस भाषा में कर सके ठीक है साथ? तो ये is equal to NH, और इसे आप कह सकते हैं चार्ज कैरियर ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एनआई लिखने का मतलब क्या है चार्ज कैरियर ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बात खत्म हो जाती है जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स तो ये इसके अंदर सीधी कहानी है और इससे आपको काम बनता है अब जो तो चार्ज कैरियर है वो लिमिटेड है भाई जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाए जितने होल उतने ही होल पैदा हो पाए और वही चार्ज मूव करेगा अब आगे चलते हैं के बाद देखेंगे कि अच्छा होल्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर आपको जैसा अभी बताया है कि जो होल होता है वो भी चार्ज कैरियर की तरह ट्रीट किया जाता है तो टोटल करंट की जब बात करेंगे आप तो जो करंट बना रहा है इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें होल वाली करंट को भी जोड़ना होगा आपको दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है होल उसके पीछे जाता है सीधी सी बात है क्योंकि ये जो ये आप इलेक्ट्रॉन यहां कूदा पहुंच गया होल बना दिया अब होल में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन कूद के इस होल में फिट हो गया तो होल कैसा लगेगा होल खिसक आया यहां तो होल ऐसे चल गया समझ पाए ना भाई होल खुद तोड़ी चलेगा एक जगह बन गई और इलेक्ट्रॉन उसमें जाना चाहता है वो होल पसंद आ रहा है उसको तो उस होल में कूद पड़ता है तो होल कैसा लगता है ये होल भर गया तो ये होल लगता है आगे बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है जिस दिशा में बढ़ रहा है ये मोटी सी बात है इतना जान लीजिए मोर देन अगर आप कुछ डिटेल कानून ना निकालना चाहें तो अब रही बात डोपिंग जैसी मैंने बातचीत की थी बातचीत की थी आप समझ भी पाए होंगे दूध वाले का एग्जाम्पल दिया था बिल्कुल आसान मजेदार तो दोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन डेलीबरेट का मतलब होता है जान ऑफ ए डिजायरेबल इंप्योरिटी डिजायरेबल मतलब इतना ही मिक्स करो जो जरूरत है मतलब जो दूध वाला है एक लीटर में चार लीटर पानी डाल देगा तो उसको मार पड़ेगी ना जिसको दूध देगा मारेगा वो तो वो उतनी ही जानबूझ के मिक्स करेगा जो पता ना चले जब बेचने जाए मार्केट में तो डिजायरेबल इंप्योरिटी यानी जानबूझकर उतनी ही इंप्योरिटी जिससे आपका फायदा हो रहा हो डिजायरेबल इंप्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर सो एज टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी कॉल्ड डोपिंग मतलब एक प्योर कंडक्टर लिया मान लीजिए सिलिकॉन अभी देखेंगे और उसमें हम लोगों ने इम्प्योरिटी जान बूझ कर मिक्स कर दी कितनी एक डिजायरेबल अमाउंट बस जिससे हमारा क्या हो सके जिससे हमारी इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बढ़ जावे काम खत्म कितना सरल है बताओ हो गया बात खत्म ठीक इम्प्योरिटी आइटम्स एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स अब भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहचानेंगे कैसे तो जिसको आप मिक्स कर रहे हैं उसे बोलेंगे dopants. लाल कर दिया मैंने. और जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो डोब्ड सेमी कंडक्टर तो एंड द सेमी कंडक्टर डोब्ड विद द इंप्योरिटी आइटम्स आर कॉल्ड एक्सट्रेंसिक और डोब्ड सेमी कंडक्टर तो जो मिक्स हो रहा है डोपेंट और जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे एक्सटेंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर कह, कहलाया जाएगा बात समझ में आ गई कि भाई डोपिंग का मतलब क्या होता है अब ये डोपिंग ना दो तरीके से की जाती है किस तरीके से भाई ये जो सिलिकॉन था इसमें तो साथ थे चार इलेक्ट्रॉन चार प्लस आपने देखे थे चार इलेक्ट्रॉन बाहर से मान लीजिए है ना अब इसमें कभी आप तीन वैलेंस वाले ऐड करेंगे और कभी तीन वाले और कभी पांच वाले ऐड करेंगे तो इसके बेसिस पे पेंटावेलेंट डोपेंट जिसमें पांच पांचवें ग्रुप का हो ट्राई डोपेंट जिसमें वेलेंस तीन हो इन दोनों को मिक्स करके पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग आ जाओ भाई एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर डोपिंग प्रोसेस अब डोपिंग जो प्रोसेस कर रहे हैं यानी मिक्सिंग वो आंखी बंद करके आंखें बंद करके नहीं करते हैं कुछ एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चों द सेमी कंडक्टेड मेटीरियल शुड बी ऑफ वेरी हार्ड प्योरिटी जिसमें मिक्स करने जा रहे हैं वो हाई प्योरिटी होनी चाहिए नाइनटी 99 परसेंट और मोर मतलब पूरे ही परफेक्टली सो so हो जाए और मोर कहने का मतलब हो गया प्योरेस्ट फॉर्म रहे सिलिकॉन का जर्मिनी में इसमें मिक्स कर रहे हो डोपेंट एटम शुड नीटली रिप्लेस जो डोपेंट एटम है उसको और सेमी कंडक्टर एटम को बहुत ही सफाई से रिप्लेसमेंट कर दे अभी समझेंगे कैसे रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है ठीक है द डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टोर्ड द क्रिस्टल नैटिक्स जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है उसको डिस्टर्ब ना करे चुपचाप सटीक जगह बैठ जाए जाके अब भाई दूध में पानी मिलाओ तो समझ में आता है आप दूध में तेल मिलाओगे तो पता नहीं चल जाएगा वही वाली स्थिति है दूध में पता लगा तेल डाल दिए घास का तेल <laughs> तो जिसके यहां बेचने गए तुड़ाई करने लगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप मिक्स वही करोगे जो आपका काम कर दे, ठीक है साहब? द कंसनट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम्स शुड बी स्मॉल अब ये जो जो डोपेंट एटम है उनका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए दूध में पानी कम मिलावे नहीं तो झगड़ा हो जाएगा अबाउट वन पार्ट पर मिलियन वन मिलियन होता दस लाख तो दस लाख में एक पार्ट मिलावट करनी है दस लाख में एक पार्ट समझ गए ना वन पीपीएम पार्ट पर मिलियन दस लाख का एक मिलियन चलिए साहब मेथड्स ऑफ डोपिंग अभी डोपिंग करते कैसे हैं ये समझ लो तीन बेसिक तरीके हैं एक तो क्या है मोल्टन स्टेट यानी कि प्योरिटी में प्योरिटी डाल रहे हो दोनों को गला दो मोल्ट कर दो गला दो गला, दो, गला के मिक्स कर दो जैसे समझ गए होगे मेरी बात दोनों को गलाया मिक्स कर दिया दूसरी बात क्या है बाई हैं और एटमोस्फियर में डोपेंट रखते हैं समझ गया है? एक प्रेशर कुकर में कर रहे हैं ऊपर हमने लगा दिया समझाने के लिए ऊपर हमने लगा दिया डोपेंट और नीचे पता लगा सेमी कंडक्टर गरमा दो जब गरमा देंगे तो वो डिफ्यूज होके से आपस में मिल जाएगा तो दूसरा तरीका ये है जो लिखा है आप उसको नोट कर लेना तीसरा करा दो ये सेमीकंडक्टर है उठा के डोपेंट था, 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 गोली चलाना शुरू कर दिया तुमने सब घुस गए इसके अंदर प्रोसेस के दौरान बस ये तीन तरीके गला के मिलाना या प्रेशर कुकर वाली टेक्निक जो आपको बताई डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे में या गोली नुमा इतनी एनर्जी दे दो कि घुस ही जाए आइटम अंदर बात खत्म तो हो जाती है आइए अब वैलेंस बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर सेमी कंडक्टर डोड विद सुटेबल इंप्योरिटी सो टू इंक्रीज नंबर ऑफ चार्ज कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं कॉल्ड और ये सेमी कंडक्टर कितने टाइप के होंगे एन टाइप एंड पी टाइप क्या होगा एन पाइप पी टाइप वो भी चर्चा का विषय है और करेंगे हम लोग अब एन टाइप सेमी कंडेक्टर क्या होते हैं समझते चलिए बड़ी आसान सी बात होती है एकदम मजा आ जाएगा आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है दिस सेमीकंडक्टर इज ऑप्टेन्ड बाय डोपिंग द सेमीकंडक्टर। दिल्ली मतलब इसमें चार इलेक्ट्रॉन है या जर्मीनियम में विथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी सच एस फॉस्फोरस आर्सनिक ऑफ ग्रुप फाइव ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी यहां पर जो मिक्सिंग कर रहे हैं वो उसको कर रहे हैं जिसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है उस बंदे को फिट कर रहे हैं चार वाले को कह देंगे भैया तुम अपनी सीट छोड़ो और उसको बैठा देंगे जो पांच इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है जो आपको बताया है आर्सेनिक वगैरह ठीक तो अब जब इस बंदे को बैठा दोगे तो पहले तो सब बराबर था यहां देखो आठ की जगह नौ इलेक्ट्रॉन ले चुका है ये पांच तो खुद के और तीन इसने शेयर कर लिए चार शेयर कर लिए तो एक इससे शेयर किया है एक इससे शेयर किया एक इससे शेयर किया एक इससे तो आठ पूरा हो गया ये एडिशनल है तो उसके पास पांच थे बाहर वही क्या करेगा तो ऐसे अब इसमें क्या होगा देखो द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास जो मिलाए हो आप डोपेंट जो हो इंप्योरिटी जो मिलाए हो तो इस इलेक्ट्रॉन में जो एक्स्ट्रा या इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसकी अधिकता हो जाएगी इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से हो गए जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास उपलब्ध है तो यहां पर बोला जाता है कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एंड होल्स आर द माइनॉरिटी तो मेजोरिटी कौन से हुए ये इलेक्ट्रॉन अब बाकी ऐसा नहीं कि बाकी इलेक्ट्रॉन फुदक के निकलेगा नहीं जब हीट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फुदक के भी निकलेगा तो होल भी बनेगा यहां लेकिन होल इसके बनस्पत वीज़ में ये कम होगा और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है इसलिए वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा तो ऐसे सेमीकंडक्टर में आप एनी की वैल्यू एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर के रूप में है वो काफी ज्यादा होती है नंबर ऑफ होल्स से होल भी क्रिएट होंगे तो एन टाइप सेमी कौन हुआ जिसके अंदर पांच वैलेंस वाला आइटम मिलाया हमने चार में पांच वाला एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी एन फॉर निगेटिव और इलेक्ट्रॉन पे भी ऐसे याद कर सकते हो तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कैसे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स फॉर और N आप देख ही रहे हैं जिसमें ज्यादा पांच इलेक्ट्रॉन वाली चीज को मिलाया गया है तो ये बात आपकी पकड़ में आई होगी अब आगे चलते हैं पी टाइप की चर्चा करने के लिए अब पी टाइप में पी इज पॉजिटिव तो मतलब होल्स की संख्या ज्यादा होगी यहां पर जो मिक्सिंग करते हैं हम लोग वो पांच की जगह तीन वैलेंस वाले को बढ़ा देते हैं देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर दिस सेमीकंडक्टर इज कंडक्टर बाय डोपिंग द टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर जिसकी चार है सिलिकॉन की विद ट्राई वेलेंट इंप्योरिटी एल्यूमिनियम वगैरह को मिला देते हैं जिसकी ट्राईवेलेंट खुद की वैलेंसी है तो यहां पर ये यह जब पहुंचता है तो तीन इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचता है और चार लोगों से सपोर्ट लेता है शेयरिंग करता है तो सात इलेक्ट्रॉन हो गए और एक होल परमानेंट है इसके पास क्योंकि इसकी वैलेंसी ही प्लस थी बात पकड़ में आ रही होगी तो इलेक्ट्रॉन तीन थे इसके पास और एक ऊपर से खाली मिल गया तो जो इंप्योरिटी मिलाई है उसमें एक होल तो ऑलरेडी है ही तो नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे ऐसा नहीं टूटेगा नहीं जैसे ही आप एनर्जी देंगे या रूम टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फुदुक के तोड़ के बाहर निकल आएगा चंचल है इलेक्ट्रॉन <laughs> उसको एनर्जी मिलेगी तो घूमने निकल पड़ता है कुछ बच्चे भी चंचल होते हैं ना जरा सा छूट मिली तो मोटरसाइकिल लेके चल पड़ते चलो चौराहा ढूं आते हैं वही हालत इसकी है थोड़ी सी एनर्जी मिली निकल लिए भाई साहब तो होल तो बनाएंगे बनाएंगे लेकिन ऑलरेडी यहां पर होल पहले से मौजूद है तो नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेसर तो यहां पर जो चार्ज कैरियर होगा मेजोरिटी में वो होगा आपका मेजोरिटी में होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा आपका इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या से काफी कम होगी मेजोरिटी कौन से होंगे बेटा समझ गए होंगे ये होंगे होल्स और माइनॉरिटी यानी कम चार्ज कैरियर कौन से होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन ये कहानी आप कह जाती है पी टाइप में पी टाइप मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव का मतलब जहां पे होल्स ज्यादा हो होल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं पॉजिटिव ठीक इतनी बात पकड़िए आगे फिर चलते हैं हम लोग अब बच्चों बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन जिसे याद रखिएगा कभी कभी इस पे सवाल भी बनता है बहुत सरल तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ सेमी कंडक्टर फिजिक्स जो सेमी कंडक्टर की फिजिक्स होती है ये एक बड़ी ही धासु इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एनई इंटू एन एच इज टू एन आई का स्क्वायर क्या मतलब है एनआई है डेंसिटी ऑफ इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर और एनी आपने तो पूछ भी जाती है तो लिख भी देंगे और कहीं इस्तेमाल होगी तो कर भी लेंगे बड़ी अच्छी बात आगे चलते अच्छा अब एनर्जी बैंड इंड सॉलिड अब यह भी बच्चे बहुत डरते हैं इससे बैंड थ्योरी से अरे बैंड थोड़ी बैंड बाजा थोड़ी बजाएगी आपका बहुत सरल है भाई क्या है देखिए बैंड थ्योरी का मतलब क्या है एनर्जी बैंड के रूप में ये डिसाइड करेंगे कि किसे किसे मेटल कह दें, किसे सेमी कह दें दें फलाना धमाका तो कोई दम नहीं है क्यों दम नहीं है कहानी इसमें क्या है सुनिए मेरी बात अगर आप किसी सिंगल एटम को लेके आओ तो सिंगल एटम की चर्चा आप जानते हैं कहां उसका न्यूक्लियस है कहां इसका इलेक्ट्रॉन है क्या एनर्जी लेवल है वो ऑर्बिटल थ्योरी आप ज्यादा अच्छा पढ़े होंगे केमिस्ट्री में एसपी वगैरह डी जो कुछ भी होती है वो उसके एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं आप जानते हैं लेकिन साहब क्या होता है जब कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो अकेला एटम तो होता नहीं उसमें भाई आप भी दुनिया में अकेले तो रहते नहीं आप अकेले हो तो बिहेवियर अलग होगा जब आप अपनी फैमिली में रहते हैं एक समाज में सोसाइटी में रहते हैं तो बिहेवियर अलग होता है भाई घर में कमरे में रहते हैं तो बनियान पहन के रहते हैं किसी शादी में बनियान पहन के थोड़ी चले जाएंगे आप बात पकड़ पा रहे हो ना तो जब किसी सोसाइटी में होते हो तो कुछ एक्शन वैसे हो करते हो जो तमीज वाले हो जो अच्छे हो और अकेले में तो बहुत कुछ आदमी समझी रहे हो क्या करते हो आप <laughs> तो यहां पर भी जो एटम होता है वो अकेले में उसकी एनर्जी बड़ी बढ़िया डिफाइन कर ली हमने लेकिन जब हम क्रिस्टल बनाने के लिए चलते हैं तो कई सारे एटम को लाते हैं कि भाई जुड़ो आपस में तो जब एक एटम के पास दूसरा एटम पहुंचता है समझाने के लिए दो दिखा रहा हूं होंगे तो पता नहीं कितने जब इनको क्रिस्टल बनाने में मान लीजिए एक हजार आइटम लाने पड़ गए तो जब ये आस पास पहुंचते हैं तो इनका प्लस रिपल करता है इनका इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं ये प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचता है बाकी आइटम अपनी कहानी करते हैं दो ही नहीं है तो इन सब झंझटों के बाद क्या इन सब इंटरेक्शन के बाद इनके एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जो पहले सिंपल एस था वो नहीं रह जाता अगड़म बगड़म हो जाता बात पकड़ पा रहे हैं क्या भाई अकेला एटम तो समझ गए लेकिन अकेला रहना नहीं है क्रिस्टल में अकेला अकेला एटम कहीं मिलता ढूंढ उठा लिए चल पड़े ऐसा तो नहीं होता जैसे समाज में अकेले नहीं रहते हम लोग तो जब हम लोग चार लोग के साथ रहते हैं तो अपने बिहेवियर को बदल लेते हैं ना बदलना पड़ता है वही काम यहां होता है कि जब ये किसी क्रिस्टल में बनता है तो एक एटम अकेला नहीं होता कई सारे एटम एक साथ होते हैं जिसकी वजह से इसके एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं और नए एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं उसी बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर देंगे कि नए एनर्जी लेवल्स जो बने कौन से मेटल हैं, कौन से क्या हैं, कौन से क्या बस इतनी सी बात है बस और क्या और देखो

एंड ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज कॉन्स्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड समझ गए बहुत सारे यही ग्राफ देखिए बनाया गया है इसमें क्या बनाया है कि जब को, आप कई सारे एटम को पास ला रहे हो दूर ये जो आर है ना आर शुरू करो इन्फिनिटी से आर था इन्फिनिटी पर वहां से करीब ला रहे हो आर से डी पर लाए डी से फिर और पास लाए आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन एटम फिर ए पर लाए बी पे लाए तो यहां पर देखो एनर्जी जब अलग अलग हुआ करती थी बड़ी साफ सुथरी तरीके से तो यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई तो इतना समझ लीजिए इसमें से कि हाँ भाई एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वो सिंपल अलग अलग एटम की कहानी नहीं चल पाती अब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो कांड क्या होगा देखो कांड ये होगा अब इसके बाद अब होता क्या है कि मोटे तौर पर जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज uh, होती हैं तो तीन चीजें मिल जाती हैं सॉलिड्स में एक तो मिल जाता है नीचे एनर्जी लेवल्स देख रहे हैं बैंड का जहां पर पूरे ये भरे होते हैं वैलेंसीज़ वैलेंसी वगैरह वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपस में सेटिंग जमाए रहती हैं वैलेंस बैंड भरा होता है उसके बाद एक गैप मिल जाता है और उसके बाद आपको मिलता है ये आपका कंडक्शन बैंड ईसी जहां लिखा हुआ ये ईसी लिखा है ये ईवी लिखा है और ये नॉर्मली इमपिटी रहता है पर कई बार इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ा देता है नॉर्मली यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ज्यादा कंडक्टिविटी मिलने की संभावना मिल जाती है आपको और इसके बीच में ये गैप हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिसे बोलते हैं एनर्जी गैप यानी इसके बीच में आपको आपको कोई भी एनर्जी लेवल नहीं मिलता जबकि एक्सटेंसिट मिलेगा देखेंगे हम लोग तो नॉर्मली इसके बीच में आपको एनर्जी लेवल्स नहीं मिलते यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते इस एनर्जी को होल्ड किए हुए बड़ी अच्छी बात अब देखिए द हाइएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड वैलेंस बैंड यह क्या है वैलेंस बैंड यहां कहीं लिखा भी होगा यह क्या है वैलेंस बैंड हाइएस्ट एनर्जी बैंड जो इलेक्ट्रॉन के साथ भरा होता है ये इलेक्ट्रॉन देखिए भरे हुए हैं सब काला काला बना दिख नहीं रहा होगा आपको ठीक कॉल्ड वैलेंस बैंड द लोवेस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड इसके बाद जो अलाउड है और मिनिमम एनर्जी वाला है इसके बाद टू वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड देखिए कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी स्टेट है इसके ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी और इसकी टॉप मोस्ट है दिस इज द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड दिस इज द लो लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड बात पकड़ में आ रही है तो ये कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल है जो कि अनफिल्ड रहता है हा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ठुदुक के यहां से पहुंच जाएगा वो देखेंगे अभी हम लोग ठीक है और इसके बीच में देखिए द गैप बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड ये टॉप ऑफ वैलेंस बैंड ये टॉप ये है दिस इज टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम दिस इज द बॉटम बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इन विच नो अलाउड एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट यानी इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन रह पावे उसको कहते हैं एनर्जी गैप क्योंकि कोई कोई गैप एनर्जी लेवल है नहीं तो बस ये है इसमें क्या तकलीफ है कि जब कई सारे आइटम साथ में आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल बदल जाते हैं और बदलने के बाद मोटे तौर पे ये पिक्चर सामने आती है तीन तरह के बैंड्स दिख रहे हैं एक वैलेंस बैंड एक एनर्जी गैप और दूसरा ये अब हम देखेंगे कि क्या में क्या में चर्चा कर रहे हैं और फलाना धमाका में क्या थ्योरी के बेसिस पर हम देखते हैं कि किसमें क्या होता है तो देखो मेटल्स में क्या होता दो तरह के एनर्जी बैंड्स मिलते हैं पहला एनर्जी बैंड कैसा है जिसमें आपका वैलेंस बैंड देखिए पूरा भरा रहता है एनर्जी गैप होता है और इसके बाद जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फील्ड होता है ये देखिए पार्शली फील्ड है ये लिखा हुआ है तो ऐसे कौन से मेटल्स हैं देखिए सोडियम पोटेशियम ये सब मेटल्स होते हैं जिसमें आपका कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड होता है अच्छा दूसरे टाइप के भी मेटल मिलते हैं मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी होती है आप जानते हैं तो यहां पर क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी गैप है वो रहते ही नहीं कंडक्शन बैंड और ये जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है ओवरलैप करके आप देख रहे हैं कोई इसमें एनर्जी गैप नहीं है तो ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड फील्ड बैंड तो ये 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 है जिंक मैग्नीशियम सब आपके हो जाते हैं इसके मेटल्स के पास। ये मेटल्स के देखो को एक्सप्लेन कर दिया गया है इस थ्योरी के बैंड थ्योरी के बेसिस पर अब देखिए इंसुलेटर्स में क्या होता है इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है और जो फील्ड वैलेंस बैंड है इनके बीच में एनर्जी गैप तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाता है तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप से भी ज्यादा होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए डायमंड ले लीजिए अब डायमंड आप लेंगे आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी भी लगा देंगे कोशिश करेंगे कि हम यहां वाले इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से यहां पहुंचा दें जिससे कि कंडक्शन हो जाए तो वो गैप होता है उसमें छह इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो कंपनसेट नहीं की कर पाते आप इसमें गैप कितना है डायमंड वाले क्रिस्टल्स में छे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा में आप कहते हैं इंसुलेटर है, तो छे तो बहुत ज्यादा हो गया तो आप कोशिश भी करते हैं इंसुलेटर में जैसे डायमंड में कि ऐसा, ऐसा कर लें करंट फ्लो हो जाए कंडक्शन आ जाए नहीं ला पाते क्योंकि छ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कंपनसेट नहीं कर पाते यानी यहां जो अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिले तो यहां पहुंचे वो नहीं दे पाते आप तो ये कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता और कंडक्शन नहीं हो पाता इंसुलेटर्स की ये कहानी अब सेमीकंडक्टर्स में तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है नॉर्मली आप देखेंगे तो जो एनर्जी गैप होता है वो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो आप देखेंगे कि जो जीरो कैल्विन पर है एट जीरो कंडक्शन बैंड इंपडी यानी जो कंडक्शन बैंड होता है वो खाली होता है वैलेंस बैंड भरा होता है रूम टेम्परेचर पर भाई रूम चर पे तो 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं करीबन तीन सौ कैलोम रूम टेम्परेचर ले रहे हो तो बहुत टेम्परेचर है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से फुदक के यहां चले जाते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से तो हमें कुछ स्मॉल कंडक्टिविटी दिखनी शुरू जाती। यहां हो जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए और शुरू हो गया खेल एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एग्जामिनेशन में लिख पाए आप अच्छी तरीके से नोट्स बना पाए स्लाइड से तो ईजी कितनी है ये ईजी वो है 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए तो सिलिकॉन लिए हो और 1.17 की एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो चला जाएगा कंडक्शन में और 0.74 जर्मेनियम के लिए तो ये थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल जाता है कि मेटल्स क्या हैं इंसुलेटर क्या हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या हैं ठीक है, है साहब आगे चलिए अब देखिए अब अब हम लोग धीरे-धीरे चले जाएंगे किसमें जो जिसमें एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था और फिर एक्सट्रेंसिकॉपिक है और आना भी चाहिए आपको सेमीकंडक्टर तो तो बनाया हुआ जो इंट्रेंसिक का मतलब जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है प्योर सेमी प्योर सिलिकॉन लिए बैठे हुए समझ लो अब यहां पर कंप्लीटली फील्ड एट जीरो जीरो पर इसका जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह भरा होता है ये देखिए पूरे ये वैलेंस बैंड पूरी तरह फिल्ड है और एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली ये खाली भी है किस पर जीरो डिग्री जीरो कैलविन पर कंडक्शन बैंड पूरी तरह इम्पटी है अब जब रूम टेम्परेचर की बात आती है जीरो कैल्विन से ऊपर तो कंडक्शन बैंड है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन फुदक के क्यों क्योंकि उनको एनर्जी मिली है तो वो फुदक के कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे साहब है ना अब ये कंडक्शन बैंड में आ गए तो जितने इलेक्ट्रॉन के पीछे होल बना देंगे भाई अपनी सीट खाली कर देंगे ना तो जब सीट खाली कर देंगे तो खाली गद्दी दिखेगी तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां गए हैं मान लीजिए चार पहुंचे तो देखिए चार ही होल यहां मिलेंगे एक होल दो होल तीन होल चार होल तो है सेम नंबर तो वैलेंस बैंड में जितने आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही आपको वैलेंस बैंड में जितने आपको होल्स मिलेंगे उतने ही कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स में यह कहानी इंट्रेंसिक की है बैंड थ्योरी के हिसाब से और कैलविन जब जीरो से ज्यादा बढ़ जाएगा तो कुछ कंडक्शन आपको मिलने लगेगा इलेक्ट्रॉन की भी वजह से और ये होल की भी वजह से तो इलेक्ट्रॉन होल करंट को दोनों जोड़ देंगे तो कंडक्शन करंट आ जाएगी मतलब टोटल करंट आ जाएगी आईई प्लस आई एच आई एच अब देखिए एक्सटेंसिक का भी जिक्र होगा उसका भी कर लेते हैं ये कहानी किसकी एक्सट्रेंसिक में भाई एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ही तो आपका आता है एन टाइप पी टाइप क्योंकि इंप्योरिटीज में मिक्स करते हैं डोपिंग करते हैं बहुत अच्छी बात अब देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है मैंने देखिए बड़ी अच्छे से फोटो तो लगा दी जैसे आपको याद आ पावे तो एन टाइप में क्या करते थे हम लोग पांच वैलेंस वाले एटम को रखते थे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा था एक एन टाइप निगेटिव याद कराया था ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव ठीक है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे इसमें भाई इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आपने डोपिंगी की है अधिकता कायम कर रखी है और साथ में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे होल्स क्योंकि जब भी आपको जीरो डिग्री कैलविन के ऊपर आप जाएंगे तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन फुदक के यहां तो जाएंगे ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो फितरत है एनर्जी मिलेगी तो चल पड़ेगा आवारा है वो कि उसको एनर्जी मिली तो ऐसी चलो मतलब वो रुकने वालों में से नहीं है भगवान ने ऐसे ही बनाया उसको तो यहां उसको एनर्जी मिली नहीं कि फुदक के वो कहा आ गया कंडक्शन बैंड में साहब होल्स तो मौजूद ही थे ऊपर से इलेक्ट्रॉन फुदकने की वजह से और होल्स क्रिएट हो गए तो मेजोरिटी तो होल्स की हो ही जाएगी ऑलरेडी ज्यादा थे अब बाकी जितने फुदके उतनी सीट और मिल गई और उतने इलेक्ट्रॉन और मिल गए तो आप देख पा रहे हैं इज ग्रेटर देन इसलिए लिखा कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको इतनी ही स्लाइड से इतनी जानकारी मिल जाएगी कि भटकना नहीं पड़ेगा आपको साहब कंडक्शन बैंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स अब ये जो कंडक्शन बैंड है देखिए यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है होल्स तो है नहीं बैंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन वैलेंस बैंड तो होल जो वैलेंस बैंड में है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है एज दे हैव बिन कंट्रीब्यूटेड बोथ थर्मल एक्साइटेशन एडन इंप्योरिटी जैसा मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो पहले से अधिक थे तो इलेक्ट्रॉन तो अधिक थे ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक थे कंडक्शन में भी एक्स्ट्रा थे क्योंकि ये फ्री थे ना भाई इनके ऊपर बाउंडेशन थोड़ी था ये तो कह रहे थे भाई चलो घूमने चलो घूमने चलो घूमने ये तो खाली थे कई दोस्त होते हैं ना जो फोन करके कहते चलो या चलो मॉल फला चौराहाते हैं क्योंकि वो खाली है उनको पढ़ना ही नहीं है या कुछ और नहीं करना है तो वो लगे रहते घूमो 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 तो उस सिचुएशन में ये क्या है घूमो 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 तो ये तो घूम ही रहा है और साथ में यहां से कुछ फुदक के वहां चले जाएंगे तो यहां दो तरह का मामला हो गया ना एक तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद डोनर इंप्योरिटी की वजह से और दूसरे भाई साहब थर्मल एक्साइटेशन की वजह से नीचे वाले को गर्मी मिली वो भी कहा चलो पापा ने सौ रुपए दे दिए उसने कहा दोस्त तुम कह रहे थे मॉल घूमने को चलो चलो साथ में चल पड़े तो जिसको सौ रुपए मिले वो कौन सा हो गया थर्मल और जो परमानेंट घुमक्कड़ है उसकी कहानी कौन सी है डोनर में आ रही होगी बात सरल है ऐसे ही समझो अपनी लाइफ से जोड़ के तो आपको एकदम जिंदगी भर याद रहेगा ठीक है बस यहां पे क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन ऊपर से होल भी है क्योंकि तो गर्मी मिलने पे तो पागल कोई भी हो जाएगा ठीक है साहब आगे समझते हैं एक्सटेंसिव में पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप में आप जानते ही थे आपको डायग्राम भी बना दिया ऐसे भूले हो तो याद आ जाए तीन वाले डालते थे एक होल एक्स्ट्रा था एक होल हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से थे पर होल, और माइनॉरिटी कौन से थे इलेक्ट्रॉन्स, ये पकड़े रहिएगा अब यहां पर देखिए पी टाइप में क्या होता है होल्स की अधिकता थी वैलेंस बैंड में और यहां पर होल्स में देखिए यहां पर एक चीज और थी वो डायग्राम में ये यहां पर क्या होता है कि जो ये देखिए ये ईडी जो लेवल है होल्स की अधिकता होने की वजह ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी भी काफी ज्यादा क्योंकि आवारा है ये फ्री में घूम रहा है तो ये इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होती है यानी इसको जरा सी एनर्जी चाहिए जीरो पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन वो ये ऑलरेडी यहां है और तुरंत यहां चला जाएगा कौन सा ये जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहां मौजूद था तो इसमें देखिए इसके बीच में जो एनर्जी गैप था उसमें भी एक एनर्जी मिली हुई है ईडी जो काफी करीब है कंडक्शन बैंड के कंडक्शन बैंड से कम है लेकिन जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड है किसकी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की क्योंकि ये खाली है घूमने को तैयार है कि मौका मिले कि चौका मारे समझ में आ रही है बात अब यही कांड यहां होता है यहां पर देखिए होल्स है तो होल क्या करते हैं होल की एनर्जी किसके पास होती है वैलेंस बैंड के पास यहां ये इनकी ज्यादा एनर्जी यहां पर होती है तो ये इसके करीब होते हैं वैलेंस बैंड के अब यहां देखिए ये बात समझ गया, होल्स अधिकता थी तो एट रूम मैनी इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस वैलेंस बैंड बैंड इसके के जो इलेक्ट्रॉन है गेट एक्साइटेड टू तो दीज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है उसकी तरफ चले जाते हैं लिविंग बिहाइंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड में अपना होल्स छोड़ जाते हैं दीज होल्स कैन कंडक्ट करंट ये जो होल्स पैदा हो रहे हैं ये कंडक्शन करंट पैदा करते हैं वैलेंस वैलेंस बैंड बैंड हैज मोर होल्स में ज्यादा होल्स हैं मोर देन इन मोर देन इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं बात पकड़ में आ रही होगी आपके कि यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब एनर्जी मिली तो कूद के यहां चले जाएंगे होल्स की अधिकता थी प्लस जो इलेक्ट्रॉन गया उसने भी सीट खाली कर दी तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम और यहां नंबर ऑफ होल्स ज्यादा दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर हैं दोनों ही करंट को पैदा कर सकते हैं तो होल्स की मेजोरिटी रहती है पी टाइप में होल की कहानी याद रखिए और ये डायग्राम याद रखिए आपका और ये आपको जैसे बताया एक्सेप्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा यहां पर वैलेंस के पास ये रहता है देखिए एनर्जी लेवल थोड़ी होल की ऑलरेडी क्योंकि होल जो, होल जो होता है एकदम तैयार होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पास तो उस वजह से वो वो एक ज्यादा एनर्जी में होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन फुदुक करेगा तुरंत होल खत्म होकर कहीं और चल पड़ेगा होल ये कहानी रहती है इसमें ठीक है आगे की चर्चा करते हम लोग अब देखिए थोड़ा सा बहुत ही शानदार तरीके से दो चार्ट आपके सामने आएंगे पहला है इंट्रेंसिक और सेमी कंडर्ण, कंडर्ण में डिफरेंस जैसे पूरा फंडा ठंडा हो जाए मतलब जबरदस्त क्लियर हो जाए और अगला टेबिल आएगी आपकी एन टाइप पी टाइप में डिफरेंस तो ये जो बातें बताई अगर इससे कोरिलेट कर लेते हैं आप तो आपका काम तो खड़े खड़े बन गया है ना आइए क्योंकि ये जो सारे वीडियो बनाए हैं आप विश्वास कीजिए पूरा दिन रिसर्च करके क्या आप डलना है क्या नहीं डलना है वो डिसाइड करके वीडियो हाई क्वालिटी तो इसलिए मैं मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए उनका भला कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ऐसे ही मेहनत करके आपकी मदद करने के लिए आपको मदद चाहिए तो आप ऐसा कीजिए आगे चलते हैं

बीच वाले आपको याद भी ये देखिए बना हुआ है यहाँ है देखिए ये ना एनर्जी लेवल एक और इसी तरीके से यहां एनर्जी लेवल ये ये एक्सेप्टर वाला तो ये एनर्जी लेवल होते हैं बीच में इंप्योरिटी एटम बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड बात समझ में आती है और याद भी रहेगी चौथा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड वहीं से कूद के जाते हैं देखा था जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप एन टाइप में कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज और पी टाइप में कौन होंगे होल्स मेजोरिटी बाकी दूसरे होंगे लेकिन वो माइनॉरिटी होंगे ठीक है साहब पांचवा देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर पर जितनी गर्मी देंगे उतना इलेक्ट्रॉन फुदक के जाएगा और कंडक्शन कराएगा यहाँ क्या है देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर

इसलिए बनाया जा रहा है क्या फर्क होता है दीज आर डोपिंग इंप्योरिटी एटम्स एक्सट्रेंसिकंडक्टरिटी ग्रुप फाइव टू द दर्मी और सिलिकॉन क्रिस्टल्स ये ग्रुप के करते हैं कोई विशेष बात नहीं समझ गए होंगे अब तक तो द इम्प्योरिटी प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आर कॉल डोनर्स यहां पे क्या है भाई आप एन टाइप में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो वो एन टाइप बन जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स है दी आइटम्स एडेड क्रिएट वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही आप होल बोल रहे हैं एंड और कॉल्ड एक्सेप्टर्स ठीक हो गई बात ये डोनर्स हो गए गए एक्सेप्टर्स हो हो होल बना तो एक्सेप्टर गया द डोनर इंप्योरिटी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड तो डोनर की जो इंप्योरिटी होती है वो कंडक्शन बैंड से लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन कंडक्शन बैंड से जरा से नीचे होती है अभी आपको दिखाया था हमने ये ये देखिए पूरा देखिए भले समय लग जाए लेकिन फंडा ऐसा क्लियर हो कि याद करें आप ये देखिए कंडक्शन बैंड से यह कंडक्शन बैंड है इसे जरा से नीचे हमारी क्या मिल गई एंड टाइप की कंडक्टिविटी और इसी में दूसरा जो लिखा रहेगा ये देखिए एक्सेप्टर वाली थोड़ी ऊपर लिखी रहेगी होल्स वाली की कहानी तो यहां पर आ जाइए यहां पर हो गया डोनर इंप्योरिटी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड द एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल जस्ट अब दैलेंस बैंड नीचे वाला था उससे थोड़ा ऊपर अब दी इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर वैसे ही याद कर लिया एन मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और अगला वाला माइनॉरिटी यानी होल्स क्या है माइनॉरिटी है तो any, any is much than NH, और यहां पे होल्स मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है एनी इज लेस देन होल्स ये कहानी हो जाती है एन टाइप पी टाइप में अब बात करते हैं होल्स की चर्चा ये होल्स एग्जैक्टली कहानी क्या है होल 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 तो होल को एज ए होल एज ए होल इस होल को समझते हैं आइए तो दैकेंसी और एब ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दॉन्ड ऑफ ए कोवेलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल इज कॉल्ड ए होल समझ गए जो वैकेंसी क्रिएट है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो फिल इन द ब्लैंक जो गद्दी खाली रह गई सेकेंड करने में एक हाथ तो बड़ा दूसरा है नहीं तो दूसरे हाथ की चिंता है तो बन गया होल ठीक अब खास बात क्या ध्यान रखिएगा कि ये एक फिजिकल इंटिटी नहीं है मतलब असल में ऐसा नहीं पाया जाता ध्यान रखना फिजिकल इंटिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन फिजिकल इंटिटी समझ लीजिए ए होल इज ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग चार्ज मोशन द मोशन कैन बी डिस्क्राइब इंटैर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अगर हम होल को ना माने होते तो भी हम इलेक्ट्रॉनों की मदद से हम चार्ज के मोशन को बता सकते थे एक्सप्लेन कर सकते थे लेकिन होल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके हमने अपने एक्सप्लेनेशन को आसान कर लिया तो यह बात ध्यान रखिएगा कि होल एक फिजिकल इंटिटी नहीं है केवल एक थ्योरी है जिसे हमने इंक्लूड किया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की थ्योरी को आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए चलिए करते हैं आगे की बात तो बच्चों होल्स की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल्स ए होल इज जस्ट ए वैकेंसी क्रिएटेड by रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए covalent बॉन्ड और सेमीकंडक्टर समझ गए होंगे भाई इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा तो होल फिर से क्रिएट हो जाएगा इट हैज द सेम मास ध्यान रखिए सेम मास एज द रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन हटाए उसी के मास के बराबर हम ये मानते हैं कि होल का मास है अब आप सोचेंगे किसी छेद का क्या मास होगा लेकिन ये थ्योरिटिकल एक्सपेक्टर ना एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए उसका मास माना है एम

मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर अब जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन है या होल है दो ही मेजर बातें पढ़ रहे हैं तो वो कितनी मोबिलिटी है कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है जब वो फ्लो करेगा आगे दौड़ लगाएगा कंडक्टर में सेमी कंडक्टर में तो कितनी तेजी से लगाएगा तो इसकी चर्चा क्या कैसे करते हैं द ड्रिफ्ट ड्रिफ्टिटी एक्वाय बाई ए चार्ज इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी एंड इज डिनोटेड बाई म्यू अब भाई सिंपल सी बात उसमें कौन सी बड़ी बात है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी दोनों तरफ कि भाई तुम्हें खींचने के लिए लगाया है जो आदमी ज्यादा तेज खींच जाए उसकी मोबिलिटी बढ़िया बंदर को केला दिखा रहे जो तेज दौड़े बंदर उसकी ज्यादा मोबिलिटी बढ़िया ज्यादा तेज दौड़ता है वो यही कहानी हो गई तो जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो ज्यादा मोबाइल है

उसके साथ पूरे एटम फैटम दुनियादारी है तो वो उतनी तेजी से नहीं चल पाता है जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कूद के पहुंचा है ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो वो खूब घूमता है आसानी से चल लेता है तो इस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है ज्यादा और इस होल की मोबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि तो बाकी भी इसके साथ एटम फैटम और भी चीजें मौजूद है ऊपर क्या केवल इलेक्ट्रॉन है ठीक है समझ गया होंगे इस लाइन का मतलब आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इसमी कंडक्टर में दो फॉर्मुले याद कर लेना बेटा एक तो मान लीजिए करंट की वैल्यू पूछी जाए तो जैसे याद करने का बहुत सरल है मैं डिटेल बताऊंगा तो चार घंटे का वीडियो बन जाएगा जैसे एन -E पढ़ा था आपने ड्रिफ्टी ड्रिफ्ट वाला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखो यही है याद हो जाएगा जिसको एनई एवीडी -E लिखते थे ना यहां पर देखिए एन ई लिखा जो भी मतलब ई इंटू ए, ए लिखाइए और कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्लस होल की कहानी कितने होल है उसकी वेलोसिटी दोनों को जोड़ दो इन्टु ए, इन्टु ए कर दो तो याद करने के लिए मोटे तौर तो पर देखिए फंडा बैठ गया ना बैठ गया बस ऐसे ही वैसे ही जोड़ हटाओ करो एक से चार चीज बन जाएगी साहब खैर एनीवे ये करंट याद कर लेना करंट की वैल्यू और साथ में ये कंडक्टिविटी हो गई जो जिस्टिविटी का उल्टा होती है करके ई और ये फॉर्मुला याद रखो क्या बताएं बाकी आप पहचान ही रहे हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना चाहिए आपको आगे चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिविटी तो ये देखिए कंडक्टिविटी की कहानी थी इफेक्ट क्या होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द मोबिलिटीज मोटिलिटीज लिखा मोबिलिटीज लिख दीजिएगा म्यू ई एंड म्यू एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिक्रीजेस मोबिलिटी घट जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन देयर कोलिजन फ्रिक्वेंसी भाई कोलिजन ज्यादा होने लगते हैं लेकिन ओवरऑल ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इंक्रीजेज और द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर तो टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी घट जाएगी ये तीन तरह के एरो बना लो अपने बुक बुक का कहना मतलब रजिस्टर नोट्स वाले रजिस्टर तो फटाफट दिख जाता है फोटो से ज्यादा समझ में आता है ना बस मैं ऐसे ही बनाता हूं अपने नोट्स बनाने जब होते हैं आगे बात करते हैं फोटो कंडक्टिविटी द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ सुटेबल इन एनर्जी इज कॉल्ड फोटो कंडक्टिविटी अरे भाई लाइट से फोटोन से कंडक्टिविटी पैदा कर रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए थी थर्मल एनर्जी मिल जाती तो बढ़िया था फोटोन वाली देती दे तो फोटो कंडक्टिविटी बोलने लगे कौन सी बड़ी बात है सेमी कंडक्टर large फोटो कंडक्टिविटी आर यूज एज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स एल डी आर इन ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल बस इतनी सी बात जान लीजिए आगे बात समझते हैं देखिए अब देखिए पी एन जंक्शन कई बच्चे के नाम से उनको चक्कर आते हैं किसे समझ में नहीं आ रहा पी एन जंक्शन क्या है पी एन जंक्शन डाइआउट क्या है अरे बिल्कुल आसान है ये बहुत आसान है बस इसमें जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो और कुछ टर्म्स आएंगे भाई अंग्रेजों के नाम अंग्रेजों छोड़ो चाइनीज नाम पढ़ो किसी लड़की लग गया चुंग पुंग पो अजीबो तो गरीब लगता है ना क्योंकि हम लोग ऐसे नाम सुने नहीं रहते हम राम श्याम गीता सुने रहते हैं लेकिन अगर चाइनीज नाम कोई बता दे कि वट इज योर नेम कोई चाइना का आदमी मिल गया तो क्या लगे जिंग पुंग पुंग पो तो आप पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे क्यों, क्यों? क्योंकि नाम डिफिकल्ट लग रहा है इसी तरीके से इसमें जो चीजें यूज की गई हैं उसकी जानकारी आज से पहले आपको नहीं थी बस आप पढ़ लोगे दोस्ती हो जाएगी जान जाएगा बात खत्म हो गई इतनी सी बात है आओ तो देखिए पीएन जंक्शन डायोड तो पीएन जंक्शन डायोड की कहानी भी समझाएंगे और इसमें यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी जो बड़ी कीमती और इंपॉर्टेंट है उसको समझना अति आवश्यक है और बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे आओ इट इज ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन डोड इन सच ए मैनर दैट वन हाफ ऑफ पोर्शन इज एक्स पी टाइप उसको ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको थोड़ी जोड़ रहे हैं एटोमिक लेवल पर जोड़ नहीं पाएंगे कि इधर से लाए, इधर से लाए, चपका दिया। तो हम लोग एक ही क्रिस्टल लेते मान लीजिए क्रिस्टल लिया इसके इधर पीटाइप और इधर करते हैं एन टाइप तब ये पी इंजंक्शन बनता है पकड़ पाए होंगे अलग अलग जोड़ेंगे नहीं एक ही क्रिस्टल में काम कर देंगे उसका <laughs> तो यही बात लिखी हुई है द द टर्म जंक्शन इंप्लाइज बाउंड्री ऑफ रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप भाई रेलगाड़ी के जंक्शन होते हैं जैसे कहीं ट्रेन तो देखे हो बैठे भी हो तो जंक्शन में क्या होता है एक गाड़ी आती है फिर उस जंक्शन में मान लो स्टेशन बदलना है या आपको पकड़नी है तो पकड़ चले जाएंगे ऐसे ही यहां पर जब आप डोपिंग कर देते हो पी टाइप एन टाइप तो बीच में पी और एन टाइप की जो बाउंड्री है जहां पी खत्म हो रहा है शुरू हो रहा उसे जंक्शन बोल देते हैं। बड़ी लाके चप करके चपका नहीं पाएंगे इसलिए लिख दिया कि आप जब नोट्स बनाए तो यह पॉइंट ध्यान रहे आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस आए ए पी एन जंक्शन इज द की टू ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइसेज जो पी एन जंक्शन है तो सेमी कंडक्टर के लिए समझ लीजिए मूलभूत सिद्धांत है हिंदी में बोल दिया तो इंग्लिश में क्या है इसको जाने बिना काम ना होगा सेमी कंडक्टर की चिड़िया उड़ जाएगी तो चिड़िया ना उड़े इसलिए इसको पहचान लो ठीक है तो ए पी एन जंक्शन इज द की टू ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइसेज एग्जाम्पल एन जंक्शन यूज एज ए रेक्टी रेक्टिफाइंग डायोड उसकी चर्चा हम लोग करेंगे पीएन जंक्शन को एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज करते हैं रेक्टिफायर का मतलब ए सी जो आती है ना ऊपर नीचे उसको ऊपर नीचे की जगह सीधे कर देते हैं डीसी में बदल देते हैं रेक्टिफायर अभी चर्चा करेंगे चिंता ना करो बिल्कुल अब ये हो गई काम पीएन जंक्शन की अगली स्लाइड देखते हैं पूरी बात आपको समझा दी है और ये जो स्लाइड भी बनाई है इससे बना के आप नोट्स बना लेंगे तो आप हिले अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप अपनी कुर्सी को छोड़ के उड़ जाएंगे इतना जान जाएंगे तो आप कमाल हो जाएगा ठीक है टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पी जंक्शन आर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट अब ये देखिए शुरू हो गया कुछ टर्मोलॉजी का आना चाइनीज आदमी है सावधानी से तो डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट तो इसमें जो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट का उसको समझने के लिए कुछ टर्मोलॉजी पिक्चर में आएगी तो उसको भी समझेंगे हम लोग आइए द स्मॉल रीजन इन दिसनिटी ऑफ जंक्शन ये जो जंक्शन है देखिए फोटो बनी है ये जंक्शन है यहां ये ये जंक्शन समझ लीजिए बीच वाला आगे समझते हैं दी स्मॉल रीजन इसके इस जंक्शन के बाजू में जो स्मॉल रीजन ये है समझो ये जो रीजन है इसके पास वाला इन दी विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स एंड हैज ओनली इन मोबाइल आयन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन अब देखिए होता क्या है यहां पर जब आप प्लस माइनस को यहां भिड़ाते हैं यहां पर ये देखिए यहां पर आपने ऐसे मान लीजिए पहले था तो यहां पर पी टाइप है तो पी टाइप में तो क्या होगा होल्स ज्यादा होंगे आपको बाकी में बना ही नहीं रहा हूं अभी बनते हैं समझाने के लिए यहां होल ज्यादा है बाकी होल के साथ इलेक्ट्रॉन भी ऐसा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूं और ये P टाइप, और ये ये पी टाइप N टाइप टाइप एन एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऐसे बना देता हूं डॉट आसानी रहेगी बनाने में बाकी होल्स भी है ऐसा नहीं है लेकिन ज्यादा ये है जब ये आपस में बाउंड्री के पास आएंगे आप छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन होल तो आपस में मिलना चाहते हैं तो क्या होता है कि ये यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाते हैं और होल्स इधर चले जाते हैं आपस में क्या कर देते डिफ्यूज होना शुरू कर देते ये इधर से उधर उधर से इधर आ जाते जब आ जाएंगे तो यहां पर जमावड़ा इस जगह जमावड़ा किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ये देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव बना हुआ है ये देख पा रहे हो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन पकड़ पा रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जो जमावड़ा है ये इलेक्ट्रॉन इधर से आए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं छोड़ छोड़ के इधर कई सारी चीजें होती समझिएगा तो यहां से छोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और होल्स यहां खसक गए भाई ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा तो और होल भी जनरेट करेगा वो सब मामला अलग का है लेकिन कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इधर खड़े हो गए और दूसरी तरफ यहां पर प्लस वाले खड़े हो गए ये देखिए प्लस वाले देख पा रहे हैं? तो क्योंकि ये लेयर पर एन टाइप वाले एन टाइप में इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहते हैं और होल उधर जाना चाहते हैं तो शुरुआत जैसे ही होती है एक दूसरे में बढ़ जाते हैं तो इसके पास में जहां पर जंक्शन था उसके पास में यहां पॉजिटिव वाले का एन टाइप की तरफ पॉजिटिव वाले और पी टाइप की तरफ निगेटिव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इस रीजन को ही हम बोलते हैं डिप्लीशन लियर और ये डिप्लीशन लेयर बड़े काम की है क्योंकि अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपना डिप्लीशन लेयर का वो किस तरफ है प्लस से माइनस की तरफ ऐसे अब अगर कोई यहां से जाना चाहे माइनस वाला तो उसके लिए मुसीबत है क्योंकि माइनस जो इधर से पी टाइप वाला होल इधर से जाना चाहे तो ये होल उल्टा है उसको धक्का पीछे मारेगा मान लीजिए होल है इधर क्या मुझे जाना है तो ये जाने देगा क्या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो होल पे फोर्स इधर लगेगा तो बैरियर क्रिएट कर देगा उसके लिए सड़क पे स्पीड ब्रेकर देखियो बैरियर देखियो तो अगर कोई छोटा बच्चा साइकिल चला रहा हो बड़ा स्पीड ब्रेकर मिल जाए तो कहीं ये पार ही ना कर पाए उसको रुक जाए तो उसको पार करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो स्पीड ब्रेकर को पार कर जाए क्योंकि हिंदुस्तान में स्पीड ब्रेकर भी बड़े पागल होकर बनाए जाते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं आजकल गिरी पड़े आदमी को तेज चला रहा हो थोड़ा बहुत तो बात समझ में आ रही है बात क्या बता रहा हूं आपको तो ये होल वाला अगर इधर बढ़ना चाहेगा इस तरफ फर्दर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो उसको अपोज करने लगती है प्लस वाले को उधरी रहने को बोलती है तो एक बैरियर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है उसका भी जिक्र करेंगे हम लोग बात पकड़ में आ रही होगी तो ये बनी डिप्लीशन रीजन जो मैंने अभी आपको समझाया कैसे बना इसके भी चर्चा की आगे देखो ये मैंने बैरियर पोटेंशियल की बात कर दी आपको यही बैरियर पोटेंशियल होता है यानी यहां ये यह जो फोटो बनाई गई है अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक प्लस वाला था ज्यादा पोटेंशियल यहां कम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है तो होल जो होगा होल तो पॉजिटिव की तरह रहता है वो इधर नहीं जा पाएगा तो उसके लिए बैरियर है बैरियर है एक चढ़ाव है तो कौन लोग इसको पार कर पाएंगे इस बैरियर को कौन तोड़ पाएगा जिसके पास इतनी एनर्जी हो जो वीबी से ज्यादा हो वट इज वीबी पोटेंशियल बैरियर इसको एनर्जी के फॉर्म में कैसे समझेंगे कि ये बैरियर कितना तगड़ा है पोटेंशियल बैरियर वीबी के बराबर है तो वो खिलाड़ी इसको पार कर पाएगा जिसके पास वीबी से ज्यादा एनर्जी हो जिसके पास नहीं है वो पुच्च कर केंद्रीय रह जाएगा ठीक है आगे देखो बिल्कुल सरल बात है कोई भी टेंशन नहीं आपको अब देखिए अब अब क्या होता है दिस डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन अब कुछ खिलाड़ी देखिए दिस डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पी टू एन तो देखिए ये क्या होता है पी टू एन ए करंट को पी से एन की तरफ करंट को जो डिफ्यूजन हुआ है हमारा जो तो आपको डिफ्यूजन शुरू में लेयर बनी थी भाई होल वाले इधर से इधर गए होल तो पॉजिटिव होता है इधर पहुंच गया था इकट्ठा हो गया था तो ये करंट का डायरेक्शन कैसा डिफ्यूजन करंट का पी से एन पी टाइप से एन की तरफ कैसे जो डिफ्यूजन हुआ था शुरू में जंक्शन की तरफ लगाए तो एक दूसरे में थोड़े थोड़े रीजन में समा गए दैट इज डिफ्यूजन करंट दूसरी क्या कहानी होती है होती है ड्रिफ्ट करंट एन से पी जाती है हमारी ड्रिफ्ट करंट क्यों क्योंकि अब ये जो बना है ना समझो ये इस बात को ये समझो इस डिप्लीशन लेयर में टूट फूट अब भी चालू है जब टूट फूट चालू है तो जैसे ही होल बनेगा यहां के इस डिप्लीशन बाद छोड़ दो पोटेंशियल बैर की वो अलग बात करेंगे हम लोग इस डिप्लीशन लेयर में जैसे ही होल क्रिएट होगा वो होल किधर मान लीजिए होल बनाया

तो करंट की डायरेक्शन क्या है एन टू पी है देखो एन टू पी है तो ड्रिफ्ट करंट किसे बोलोगे ड्रिफ्ट करंट हुआ इस डिप्लीशन लेयर में जो तोड़फोड़ हुई ऑलरेडी हो रही है थर्मल एनर्जी की वजह से होल्स बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन फुदक रहे हैं तो जो प्लस वाले होल्स बनेंगे वो उधर धक्का मार दिए जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन उछल रहे होंगे उनको उधर धक्का मार दिया जाएगा तो होल आ जाएंगे इधर और प्लस मतलब होल आ जाएंगे इधर

और एक करंट हमारी क्या है एन टू पी ऊपर वाली डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन और नीचे वाली ड्रिफ्ट तो ये करंट दोनों फ्लो होती रहती है जब तक दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाएं जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो इक्लिवरियम स्टैब्लिश हो जाता है तो शांति हो जाती है ये कहानी तो वो जो डायोड है ये पीएन जंक्शन डायोड जिसे बोल रहे हैं वो बन के तैयार हो जाता है क्लूबरियम स्टेज में ठीक है साहब ये घटना घटती गट है इसके अंदर अब सर्किट सिंबल क्या है पीएन जंक्शन डायोड का इस तरह से सर्किट सिंबल दिखाते हैं एनोड ये लगा दिया, ये अगर जल्दी में दिखाना हो वरना इस तरह का देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और जो मैंने आपको बातें बताई बिल्कुल आप पकड़ लीजिए बात पकड़ पे आई ना आगे चलते हैं और अब देखिए बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द समथिंग ये जो बैरियर पोटेंशियल था इसका ये जो क्रिएट किया था प्लस माइनस वाला द नेचर ऑफ द यानी इसका किस nature, किस नेचर मटेरियल का बना है क्या है है कितना उसका अमाउंट ऑफ डोपिंग कितनी है डोपिंग की मात्रा कितनी है इन सब पे डिपेंड करेगा बैरियर पोटेंशियल वैल्यू आपको थोड़ा फील देने के लिए कि जो सिलिकॉन होता है उसके लिए जीरो वोल्ट का होता है बैरियर पोटेंशियल और जर्मेनियम के लिए होता है जीरो पॉइंट थ्री वो ये इसका बैरियर पोटेंशियल होता है तो ये बैरियर पोटेंशियल आपको मालूम होगा तो थोड़ा बढ़िया होगा इफ डोपिंग इज स्मॉल ये ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं इनको जरूर से ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने कलरफुल कर दिया है इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज स्मॉल यानी डोपिंग कम की है तो डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाएगी स्मॉल डिप्लीशन लेयर इसकी जो विथ है चौड़ाई उसकी कम हो जाएगी और बैरियर पोटेंशियल हमारा वीक हो जाएगा अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम है डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हमारा कम है देखिए तो डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाएगी डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाएगी और साथ में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड वो वीक हो जाएगा तो ये देखिए स्मॉल है तो ये यह ज्यादा है और भी हमारा कम है इसी तरीके से डोपिंग कंसट्रेशन अगर लार्ज है ज्यादा मिक्सिंग किए हुए हैं तो हमारा विक्त स्मॉल होगा जो डिप्रेशन लेट है इसकी चौड़ाई ये डिप्रेशन ये इसकी चौड़ाई बढ़ रही घट रही इसकी बात की जा रही है और हमारा बैरियर पोटेंशियल स्ट्रांग होगा तो ये बातें भी पकड़ के रखें पीएन जंक्शन में आइए आगे की बात करते हैं हम लोग फॉरवर्ड फॉरवर्डवाइजिंग अब वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन की बात आती है इसको समझने का प्रयास करते हैं तो पीएन जंक्शन की वर्किंग में देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग से बिल्कुल नहीं घबराना है समझ लीजिए बाइसिंग में आप एनर्जी कर रहे हैं यानी सेल को लगा रहे हैं तो सेल को कैसे लगाएंगे इसी का नाम टेक्निकली रख दिया फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग सेल में एक प्लस और माइनस होता है आपको पता है तो उसकी फिटिंग किधर करनी है उस पर डिपेंड कर रहा है बस बाकी कुछ नहीं तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड यानी हम लोग अगर पी ये देखिए पी साइड है पी को प्लस वाले से ज्वाइन कर दो और एन वाले को निगेटिव तो पी को प्लस से लगा दो और एन को एन को माइनस से पी पॉजिटिव एन निगेटिव बात खत्म टू द दाइड पी एन जंक्शन इज सेट टू तो बी फॉरवर्ड बाइस उसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग इसका उल्टा कर देंगे तो रिवर्स बाइसिंग तो फॉरवर्ड वाइसिंग की कहानी समझ लेते हैं फिर रिवर्स वाइसिंग समझ लेंगे अब यहां पर देखिए एज शोन इन फिगर ये फिगर कुछ बनी हुई है अपलाइड वोल्टेज वी अपोजेज द बैरियर पोटेंशियल वीबी अब देखिए यहां पर क्या है VB कैसे था आपने देखा था वीबी ऐसे था डिप्लेशन और आपने जो पोटेंशियल एक्सटर्नल लगाया है उसका क्या है प्लस से माइनस तो ऐसे है ये भी है तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है उसमें क्या होगा द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस यानी अब क्या होगा v, VB में से भी घटेगा इफेक्टिव बैरियर जो है वो वीवी में से भी घटेगा तो कम हो जाएगा एंड द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस अब बैरियर की एनर्जी है वो पहले से घट जाएगी समझ में आ रही है बात द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स फ्रॉम पी साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन इस स्थिति में क्योंकि बैरियर कम हो गया भाई रुकावट जो थी वो घट गई तो जो होल पहले आगे नहीं बढ़ पा रहा था पॉजिटिव वाला वो अब जंक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा भाई बैरियर हट गया तो आगे बढ़ गया वो बहुत अच्छी बात बैरियर कम हो गया द द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर इट्स अब उस सिचुएशन में क्या होगा जब ये जंक्शन की तरफ हमारा होल बढ़ेगा उधर से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई थी वो घट जाएगी देखिए यहां घटक दिखाई है डैश लगाया है पहले वाली अब ये बन गई है तो डिप्लीशन लेयर हमारी विथ कम हो जाएगी इसको याद भी रखना फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन ले कम हो जाती है इसको याद रखेंगे आप इसलिए देखिए कलर लगा दिया मैंने इसको ध्यान है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में कहा लिखा फॉरवर्ड बाइसिंग ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आपकी डिप्लीशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा बिल्कुल समझ में आ रही है बात आगे वेन वीक सीट्स वीवी अब देखिए अब जो आप वी लगाए हो तो आपके हाथ में हो कम लगाओ ज्यादा लगाओ मान ले आपने वी इतना लगा दिया जो इसके बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है कोई रोक थोड़ी सकता ज्यादा पावरफुल सेल लगा के बैठ गया आप तो क्या होगा वेन वीक सीट वीबी द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इट स्टार्ट अक्रॉस द जंक्शन एंड सेटअप लार्ज करेंट इन मिली एमपियर कॉल्ड फॉरवर्ड करेंट अब जब यहां पर आप वी ऐसा लगा दोगे जब वीवी से बड़ा हो तो होल आगे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो रोक थोड़ी पाएगा बैरियर पोटेंशियल उसको वो किस वो करंट की वैल्यू जाएगी बढ़ जैसे जैसे वी बढ़ाओगे वैसे, वैसे वैसे बढ़ेगी तो उसे उसे क्या बोल देते हैं हम लोग वो करंट आती है मिली एम्पियन में पहले माइक्रो एम्पियर में आती है ये मिली एम्पियर में ज्यादा करंट है और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट इसे नाम दे दिया है कि फॉरवर्ड करंट बस आगे चलो वर्किंग ऑफ ए पी एन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड का उल्टा पी वाले को माइनस से लगा देना और एन वाले को प्लस से लगा देना उल्टा काम कर रहे हो रिवर्स है ना तो इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड ये देखिए पी वाले को माइनस से लगा के बैठे ये पी है पी P को माइनस से लगा दिया और एन वाले को प्लस से लगा दिया उल्टा काम कर दिया तो रिवर्स बाइसिंग होगी साहब इस कॉल्ड द रिवर्स बाइसिंग समझ गए आप अब कुछ इसके कहानी तो इन दी फिगर अभी फिगर में शो कर रखा आपने अब यहां पर क्या हुआ कि भाई पोटेंशियल बैरियर तो ऐसे ही था वो तो जंक्शन की कहानी थी बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर तो जंक्शन की अपनी उत्पत्ति थी अब बाहर से एक बैटरी ऑन लगा दी हो रिवर्स वाइसिंग में तो वी जो लगा है वो इसी डायरेक्शन में लग गया देखिए जिस डायरेक्शन में वी भी था पोटेंशियल बैरियर था उसी का दोस्त बन गया उसी डायरेक्शन में लग गया अब उससे क्या होगा बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस अब हमारा बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्योंकि वी बी और डायरेक्शन एक ही दोनों जुड़ गए आपस में एंड द द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन तो पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन क्या होगा वो इंक्रीज कर जाएगा द मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे अब यहां पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे उनके लिए और मुश्किल हो गई आगे जाना वो पीछे हट जाएंगे बैरियर फैल चुका है ज्यादा तो जब ये हट जाएंगे तो आप इसकी जो विथ होगी डिप्लीशन लेयर की वो इंक्रीज हो जाएगी और चौड़ी हो जाएगी इसको ध्यान रखना रिवर्स बाइसिंग में हमारी डिप्रेशन लेयर चौड़ी हो जाती क्यों क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में ज्यादा बैरियर बी प्लस वी भी हो जाता है बिल्कुल एक जैसी कहानी स्टोरी नुमा है द रेजिस्टेंस ऑफ द पी एन जंक्शन बिकम्स मोर वेरी लार्ज एंड नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर अब इस समय मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसमें करंट जाएगी नहीं हां माइनॉरिटी की वजह से कुछ जाएगी मेजोरिटी क्या है पी इधर है प्लस और माइनस इधर है तो ये प्लस वाला इधर नहीं जा पाएगा अपोजिट है मामला ना मेजोरिटी तो यही थे तो मेजोरिटी करंट नहीं जाएगी हां इसमें से कुछ माइनस भी होंगे इक्का दुक्का जो भी है माइनॉरिटी वो जरूर चले जाएंगे क्योंकि वो उसके साथ नहीं पा रहे हैं ठीक अब आगे समझते हैं अच्छा ये लिखा भी है मैंने बहुत अच्छी बात की हाउ वेर एट रूम टेम्परेचर देयर आर ऑलवेज सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इसके अंदर होल होल का मतलब प्लस ये तो मेजोरिटी है लेकिन कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे पता नहीं आपको कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं थोड़ा तो मोटा कर दूं कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे माइनोरिटी चार्ज कैरियर जिसे बोलेंगे आप पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनोरिटी चार्ज कैरियर होता है विल बी रिवर्स रिवर्स द जंक्शन सेटिंग या लीकेज इसको बोलते हैं तो ये जब आपने प्लस से माइनस लगाया है तो प्लस वाला इधर नहीं जा पाएगा इसका वाला माइनॉरिटी वाले जा पाएंगे तो कुछ माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस जरूर जा पाएगा तो बहुत ही ज्यादा कम करंट मिलेगी आपको तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट मिल रही है, है तो वो बहुत ही छोटी कम होगी और किस ऑर्डर की होगी माइक्रो एम्पियर की मिली नहीं माइक्रो माइक्रोटेन की पावर माइनस करंट मिलती है बात समझ में आ रही होगी आपको या अगर ज्यादा हुआ तो करंट ही नहीं जाएगी आपकी माइनॉरिटी बहुत कम होती है अब वीआई करेक्टरिस्टिक की बात करते तो कई बच्चे सब घबराते हैं पता नहीं वी आई करेक्टरिस्टिक क्या होता है अरे भाई कुछ नहीं है वी आई करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है वी बदल रहे हो तो आई कैसे बदलेगा बस करेक्टर आई बदलने पे वी का क्या कैरेक्टर है बी बदलने पे आई का क्या कैरेक्टर है बस यही तो होता है ग्राफ है और कुछ नहीं है तो आई क्या होती मैंने लिख भी दिया जैसे बच्चा समझ सके आप नोट करो तो पल्ले पड़ जाए कि इसको ये बोलते हैं तो दिक्कत कदम ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू ए पी एन जंक्शन विद दोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट बोथ वेन इट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइसिंग देखिए तो यहां पर फॉरवर्ड वाइसिंग में वोल्टेज ये V बदल रहे हो उससे I कितना बदलेगा जिसी को बोलते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड वाइसिंग की कहानी है ये रिवर्स बाइसिंग की कहानी है भी समझेंगे इसको ठीक है फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब P को P वाले को प्लस से और माइनस वाले को एन से रिवर्स में पी वाले को माइनस से और एन वाले को प्लस से उल्टा काम वोल्टेज करंट एंड उल्टेज करेंट ऑफ वी आई जंक्शन इसे को बोलते हैं वी आई जंक्शन तो साहब चलिए हम लोग समझते हैं कि फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या वी आई करेक्टरिस्टिक है तो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्राफ ये ग्राफ है देखिए इसमें आपने V को जब बढ़ाया तो I कैसे बढ़ी इसको प्लॉट किए फॉरवर्ड वाइसिंग में फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब ये जैसे आप कुछ भी ना बोले मैंने बड़ी सावधानी से चूज कर करके चीजें स्लाइड्स बनाई जिससे कोई भ्रम ना रहे सॉलिड आपको मिले तो यहां पर प्लस वाले को देखिए इस प्लस प्लस वाले वाले को यहां जो है है वो कनेक्ट किया पी वाले से ये सिंबल है उसका और माइनस वाले को एन वाले से तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग है फॉरवर्ड वाइसिंग में देखिए कैसे करंट जाती है अब यहां से मैं दिखाता हूं आप कनेक्ट कर लेना द ग्राफ इज नॉट ए सिंगल स्ट्रेट लाइन ये जो वीआई ग्राफ है ये सीधी रेखा नहीं है ड नॉट ओबे ओम स्लो अब सीधी देखा नहीं तो ओबे ओम स्लो को ओबे नहीं करेगा ठीक है साहब आगे इनिशियली करंट इंक्रीजेस वेरी स्लो शुरू में देखिए तो करंट बहुत धीरे बढ़ती है वेरी स्लोली टिल द वोल्टेज क्रॉसेज ए सर्टन वैल्यू जब तक की वोल्टेज कुछ सर्टन वैल्यू क्रॉस ना कर जाए तब तक ये बहुत कम बढ़ती है उस वैल्यू को उस वोल्टेज को बोलते हैं थ्री शोल्ड वोल्टेज इसको भी रेड कलर करिएगा करना मैं भूल गया लगता है तो ये थ्री शोल्ड वोल्टेज इसको भी याद रखिए या कटाव कट ऑफ वोल्टेज इंपॉर्टेंट है यानी कट इन वोल्टेज से ये जो कट इन वोल्टेज है या थ्री शोल्ड वोल्टेज है इससे कम फॉरवर्ड वाइसिंग में अगर आप वी बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ेगी बहुत कम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ऐसी स्थिति रहेगी और ये कट इन वोल्टेज या थ्री शोल्ड वोल्टेज आपको फील आए इसलिए मैंने लिख भी दिया जर्मेनियम के लिए करीबन होता पॉइंट टू वोल्ट और सिलिकॉन के लिए पॉइंट सेवन वोल्ट आफ्टर कट इन वोल्टेज अब इस कट इन वोल्टेज के बाद आपने और वोल्टेज बढ़ाया पोटेंशियल डिफरेंस और लगाया तो उसके बाद क्या होता है कि डायोड करंट यानी पी एन जंक्शन में जो करंट होती है वो इंक्रीज करती है बहुत तेजी से रैपिडली एक्सपोनेंशियली तो ये देखिए तुरंत ही इसके बाद में एक्सपोनेंशियली ये बढ़ना शुरू हो जाती है बहुत तेजी से हेयर मेजोरिटी चार्ज करियर फील नेगलेजेबल रेजिस्टेंस इस कट इन वोल्टेज के बाद जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो रेजिस्टेंस फील नहीं करते इसलिए भड़बड़ा के चल पड़ते हैं करेंट फ्लू करने रखते हैं और आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग की कहानी है कुछ और बातें रिवर्स वाइसिंग के संबंध में बात पकड़ पाए इस ग्राफ को एग्जाम में ग्राफ वगैरह बनाने को आ सकता है तो पकड़ ही रहिएगा इसको है ना और यहां पर एक छोटे लेवल पे शुरुआती दौर में यहां कुछ रीजन भी होता है जो लीनियर रिलेशनशिप ऐसे दिखाता है वहां पे ओबे लॉ फॉलो करता है ओम्स लॉ फॉलो करता है इसके लिए इस रीजन में वो भी कहीं लिखा होगा आगे मैं दिखा दूंगा आपको वरना मैं बता रहा हूं उसके बाद ये खिंच जाता है तो वहां ओबे नहीं करता रिवर्स वाइसिंग रिवर्स वाइसिंग जानते ही आप इस पी वाले को हम लोगों ने माइनस से जोड़ दिया और ये जो एन वाला था इसको उन्होंने किससे जोड़ा है प्लस से उल्टा काम किया है तो उस कहानी में रिवर्स बाइसिंग हो जाती है रिवर्स बाइसिंग में जो ग्राफ बन रहा है आपके सामने है ये देखिए वोल्टेज लगा रखा निगेटिव में भी और माइक्रो एम्पियर करंट चल रही है इधर रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूस ए वेरी स्मॉल करंट माइक्रो एम्पियर में करंट जाती है आपको मालूम है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही कंट्रीब्यूट करते हैं इस वजह से माइक्रो एम्पियर करंट जाती है विच ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद बायसनेस यानी आप देखें तो मोर एल ये जो रीजन देख रहे हैं यहां पे जो रिवर्स करंट है रिवर्स कंडक्शन में वो मोरलेस सेम रहती कोई बढ़ोतरी नहीं दिखती जैसे जैसे आप वोल्टेज इधर माइनस में बढ़ा रहे हैं या माइनस में घटाते जा रहे हैं वेन रिवर्स वोल्टेज रीच ए सफिशियंटली हाई वैल्यू अब एक जगह आपको दिखाई पड़ता है कि जब रिवर्स वोल्टेज हमारी सफिशियंट वैल्यू रीच कर लेता है तो वहां एकदम से बहुत तवाड़ी करंट आपको मिल जाती है इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और ये बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है द रिवर्स करेंट इंक्रीजेस टू ए लार्ज वैल्यू दिस वोल्टेज इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ये जो वोल्टेज है क्या बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डी सी कार्ड रेक्टिफिकेशन इसको रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन इन रिवर्स वाली केसेस वगैरह में ठीक है अब यहां पर देखिए क्या है कि एकदम से भड़बड़ा के करंट क्यों होती है क्योंकि रिवर्स बाइसिंग जब लगा रहे हो आप ऐसे ये ये देखिए मान लीजिए P था ये था N और आपने रिवर्स बाइसिंग में इसको निगेटिव इसको प्लस से जोड़ा है और इस प्लस माइनस को बढ़ाते जा रहे हो ये आप देख पा रहे हो ना बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक समय ऐसा एक समय ऐसा आता है कि इसके बीच में बैरियर तो है ज्यादा भाई क्या है इसका बैरियर था वी बी ऐसे और वी ऐसे तगड़ा लेकिन प्लस होने की वजह से अब ये वी, ये वी इसकी वजह से है और वी बी इसका बैरियर पोटेंशियल है प्लस जब आप खूब लगा देते हो इस लेवल पर तो क्या करता है इसके होल को ये प्लस अट्रैक्ट करने लगता है यानी जो यहां होल और इलेक्ट्रॉन बंधे थे आपस में उनके बॉन्ड को ही तोड़ देता है इतना शक्ति आ जाती खींचने की इसमें क्योंकि वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो बड़बड़ा के यहां से मेजोरिटी वाले एकदम रिलीज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे होल्स को खींचेगा ये प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो होल्स को हो जाएंगे बात पकड़ में आ रही होगी तो इतने क्रिएशन हो जाते हैं चार्ज कैरियर्स के क्रूप एकदम ऐसे लगता है ये फ्लो हो गया ये जो बीच का रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है समाप्त हो जाता है डिप्रेशन ले रुड़ जाती है समझ लो खत्म हो गया बड़बड़ा के बैन फ्लो होने लगता है ये ये रीजन होता है इस ब्रेकडाउन रीजन के

फॉरवर्ड है ये दोनों को मिलाते हुए बायसिंग या बायस जो भी लिख दो और इसी तरीके से यहां वही जो चीज समझी वो यहां पर है समझ पाए होंगे आप आगे चलते हैं बेटा डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए जंक्शन डायोड मैंने आपको दिखाया था कि जो जंक्शन डायोड होता है उसमें इस तरह का कर्व आप अचीव करते हैं कठिन वोल्टेज और ऐसे कर्व जाता है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, है। ये आप वी बढ़ा रहे तो ये करंट थी आपकी आपकी तो यहां के बाद छोटे से रीजन में ये तो डायनेमिक है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है

द डायोड कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर थोड़ी सी लीनियर मिलती है इन द लीनियर रीजन इस लीनियर रीजन में ओम्स लॉ ओबे हो जाता है ये हमें और पकड़ के रखना कौन सी इसमें बड़ी स्पेशल बात है बात समझ में आ रही होगी आपके आगे चलते हैं। अच्छा एक numerical आ गया बड़ा सरल नुमैरकल इफ ईच डायोड इन फिगर हैज फॉरवर्ड हैजोर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव ओम फॉरवर्ड वाइजिंग का रेजिस्टेंस है पच्चीस ओम देखिए लगा हुआ है ये प्लस है ये माइनस है ये फॉरवर्ड वाइजिंग है रिवर्स वाइसिंग है देखिए ध्यान से ठीक प्लस माइनस का देखिए फॉरवर्ड वाइसिंग और बीच वाला रिवर्स वाइस उल्टा लगा है एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स वाइसिंग देखिए रिवर्स वाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ये रिवर्स वाइसिंग हो गई ना यानी आई थ्री करंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए शून्य इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जान ही नहीं देगा करंट व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ करंट इन आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई वन आई टू आई थ्री आई फोर ये टोटल आई वन है आई टू आई थ्री आई फोर आई थ्री तो समझ में आ गया जीरो है बाकी निकाल लेंगे देखिए अब यहां पे आई थ्री जीरो जो मैंने समझा दिया था एज द दा डायोड इन दे ब्रांच रिवर्स दे, इन फाइनाइट है अब जो बाकी कहानी बची रेजिस्टेंस इन द ब्रांच ए बी एंड ई एफ जो ए बी है यहां से यहां तक एक सौ पच्चीस का रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और प्लस डायोड का रेजिस्टेंस है 25 तो डेढ़ हो गया यही कहानी यहां डेढ़ हो गई ठीक

अब नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया पचहत्तर तो एक्सटर्नल सर्किट का है पच्चीस इसका अपना भी है जहां से बैटरी निकल रही है उसको वो सीरीज में हो गया उसके क्योंकि तो इन दोनों का आया पैरल टोटल रेजिस्टेंस तो सर्किट में करंट कितनी है आई इज गल टू फाइव अपॉन हंड्रेड पांच वोट का वी है पोटेंशियल डिफरेंस और आर है सौ तो ये टोटल हमारी आई वन आ गई जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम्पियर बिल्कुल समझ में आती है बात आराम से कर सकते हैं आप आगे एज रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एंड ई एफ आर इक्वल अब बाकी इक्वल है तो सबको जोड़ दिया तो ये देखिए वैल्यू कितनी आ गई तो आई टू आई फोर कितनी आ गई आई टू आई फोर आ जाएगी जीरो पॉइंट टू यानी जीरो पॉइंट एमपियर ये देखिए आई वन की वैल्यू आई टू आई थ्री आई फोर के बराबर है आई थ्री तो जीरो थी अब बाकी जो वैल्यू सेम थी उसको रख ही लिया यहां पे आई थ्री जीरो पुट कर दोगे आई टू आई फोर बराबर है वैल्यू निकल आई जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव MPR, solve हो गया कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था लेकिन आते हैं तो आपको मालूम होने चाहिए साहब आगे समझते हैं अब अब जो आगे तो एप्लीकेशन में देखिए जंक्शन डायोडि है रेक्टिफायर का मतलब ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करेंट इन टू डायरेक्ट करेंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर आपने समझा होगा एसी ऐसे जाती है इस इस को ऐसे की जगह बना देना चाहते हैं। तो इस AC से DC बनाने में जो लगेगा उसको बोलेंगे मैथड और ऐसा सोच रहे हैं कि जो है, ऐसा सोच लो उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं ठीक प्रिंसिपल क्या है मैंने पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस जब हम हाँ पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस लगाते हो तो इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो थ्रू इट फॉरवर्ड वाइसिंग में पीएन जंक्शन पे करंट फ्लो होती है रेजिस्टेंस कम होता है बट वेन इट रिवर्स बायस, जब ये रिवर्स बायस लगाते हो पीएन जंक्शन को तो ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस देता है और ऑलमोस्ट कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होती है उन्होंने सीख लिया है दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए डायर इनेबल्स इट टू बी यूजिफायर तो यह हमें एक फायदा देती है कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो करंट को अलाउ कर देगा और जब रिवर्स बाइसिंग होगी तो करंट को रोक देगा इस ही इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो साहब यह कहानी है दी पीएन जंक्शन कैन बी यूज एज ए हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव फुल वेव क्या होता है अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि देखिए ये एसी थी और इसको हाफ वेव डीसी बनी यानी इस पोर्शन को इसने जाने दिया जो निगेटिव में था उसका पता नहीं है उसको भी रोक दिया और फिर अगले वाले पोर्शन को जाने दिया तो ये बीच बीच की जो पल्स थी वो निपट गई तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ये हाफ आया गुल हाफ गुल फिर हाफ इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट डायग्राम देखिए ये बना हुआ है ये लगा है बीच में ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी एसी इनपुट अब एसी में जब बदलाव होगा तो आप जानते ही हैं एक साइकिल में आधी बार प्लस और आधी बार माइनस होता है ए वन साइकिल के अंदर तो जब ये प्लस होगा ये सीरा और ये माइनस आधी साइकिल में तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज ये पी जंक्शन ये एन जंक्शन है है ना तो पी वाला प्लस से हो गया एन वाला माइनस से हो गया उस समय करंट को फ्लो करा देगा ये पावर बाइज हो गया अब अगली किश्त में क्या होगा अपोजिट ये माइनस ये प्लस एसी में तो ऐसे ही होता है प्लस और फिर माइनस उल्टा अब जैसे ही ये अपोजिट होगा पी वाला नेगेटिव से जुड़ गया और एन वाला पॉजिटिव से तो रिवर्स बायस अब वो आधी साइकिल के करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा ये तो यहां पे क्या मिलेगा जब ये पहले वाला खिलाड़ी फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा तो करंट मिलेगी जब उल्टे वाले में जाएगा रिवर्स बाइसिंग में तो करंट ही नहीं मिलेगी तो रिवर्स बाइसिंग वाली की बत्ती गुल गायब और फॉरवर्ड वाली आपको मिल गई खेल खत्म बात समझ में आ गई ठीक <laughs> अब देखिए अब हम भी चलाकी करते हैं क्योंकि हम लोग को तो चाहिए पूरी करंट तो हम दो डायोड लगा देंगे अब देखिए कितने बढ़िया तरीके से फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मर बढ़िया दो डायोड डी वन डी टू अब इसमें क्या हो गया मान लीजिए पहले ये प्लस बना ये माइनस बना इसकी कहानी में P इधर N इधर तो P वाला प्लस से N वाला माइनस से ये बीच में है समझ लीजिए ये यहां पर ये माइनस है तो ये भी माइनस है ना इस समय भाई इससे कम इससे कम जो भी है प्लस माइनस माइनस इसके लिए समझो तो पकड़ना मेरी बात तो इसके लिए प्लस है और ये बीच वाला जोड़ो तो इसके लिए माइनस है तो ये फॉरवर्ड वाइजिंग है यहां से करंट चली गई अब इसी समय देखो ये P वाले को जोड़ रखे हो माइनस से और आगे क्या होगा ये वैल्यू इससे बड़ी होगी मतलब अगर ये समय 10 थी प्लस की तो ये प्लस से कम मतलब समझ लो पांच है और ये है कुछ ऐसा कंफ्यूज ना हो ना मतलब ये ज्यादा पोटेंशियल उससे कम ये उससे कम, उस कम ये कहने का मतलब होता है तो P को नेगेटिव से जोड़े हो तो ये रिवर्स माइसिंग है इस समय करेंट नहीं गई इस समय गई करेंट अब आधे में नेक्स्ट में ये प्लस की जगह माइनस हो गया ये प्लस हो गया ये फॉरवर्ड में आ गया है प्लस का पी से और ये ये नेगेटिव में अब ये इधर वाला डायोड भेजेगा करंट ऊपर वाला नहीं भेजेगा तो आधी साइकिल में ऊपर वाला भेजेगा आधी साइकिल में नीचे वाला भेजेगा मिली तो गई दोनों ही साइकिल में हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन तो यहां पर देखिए एसी होती है और वेब फॉर्म एट बी जो मिलता है इस तरह से रेक्टिफिकेशन मिल जाता है एसी इनपुट एट ए जो ए की बात कर रहे हैं यहां बी की बात कर रहे हैं आधी साइकिल में इधर ऐसे बन जाता है और यहां पर देखिए आपका रेक्टिफिकेशन होके मिल गया अब जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो मिला जरूर लेकिन पल्सेटिंग है ये पल्स आ रही आप चाहते थे स्मूथ मिले भाई डीसी है जरूर कि भाई ये निगेटिव नीचे दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रही है लेकिन पल्सेटिंग है बढ़ रही घट रही घटने मतलब नहीं जा रही लेकिन यह पल्स ले रही है इस पल्स को खत्म करना चाहते हो तो आपको फिल्टर सर्किट लगाने पड़ते हैं फिल्टर सर्किट फिल्टर सर्किट क्या होता है जैसे चाय नहीं छानते हो सुबह चाय बनाते हो चाय पत्ती डालते हो फिर एक छन्नी लगाते हो कहते हो चाय पत्ती नहीं चाहिए चाय चाहिए तो चाय छन के नीचे जाती चाय पत्ती छन्नी में आ जाती है यही काम यहां करेंगे तो एक छन्नी लगाएंगे फिल्टर लगाएंगे जो हमें कभी मान लीजिए एसी को रोक दे और डीसी जाने दे या डीसी को रोक दे एसी को जाने दे तो दोनों अलग हो जाएंगी जो हमें चाहिए हम प्राप्त कर लेंगे बस आओ तो यहां पर क्या हुआ सीरीज इंडक्टर सर्किट अब सीरीज में लगाना हो देखिए इंडक्टर लगाया अब इसमें क्या करते हैं आप जानते हैं कि इंडक्टर सर्किट में एक्सएल की वैल्यू होती है, टू पाई एफ एल ये अपोजिशन टू द करेंट है ये में पढ़ा है आपने अल्टरनेटिंग करंट अब ये क्या करेगा जैसे ही एसी की फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा भाई डीसी की तो जीरो है तो एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्सएल एसी के लिए ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा ए ब्लॉक कर देगा रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द करेंट टू अल्टरनेटिंग करंट इज हाई वाई बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी करंट इज हाई पचास आठ मान लो चलो है ना फ्रीक्वेंसी तगड़ी उस वजह से एक्सएल ज्यादा हो गया किसके लिए एसी के लिए तो एसी को इसने ब्लॉक कर दिया डीसी जाने दिया डीसी मिलकर छन गया लो फ्रिक्वेंसी डीसी क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी, जो हमारी डीसी है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है या जीरो के बराबर है उसको पार करा देगा और वो आउटपुट में मिल जाएगा अब दूसरा मान लीजिए सीरीज की जगह पैल शंट कैपेसिटर की बात की जाए तो हम कैपेसिटर भी यूज करते हैं अब कैपेसिटर में आपको मालूम है कि एक्सी इजल टू वन अपॉइंट टू पाइफसी होता है आपको मालूम है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके लिए एक्सी कम ये घटना घटती है तो एसी के लिए है फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एसी के लिए आपकी ये कहानी एक्सी कम हो जाती है तो यहां से यहां देखिए लगाए हो इस रास्ते से एसी निकल जाएगी डीसी नहीं जाएगी डीसी सीधे चली जाएगी यहां आपको मिल जाएगी तो एसी यहां से निकल जाएगी क्योंकि इसके लिए अब आप सोचो यहां भी एसी जा सकती है नहीं भाई यहां रेजिस्टेंस कम है वहां क्यों जाएगी वो पहले ही निकल लेगी डीसी जा रही है क्योंकि डीसी के लिए तो ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस देता है कैपेसिटर नहीं अलाउ करता तो डीसी करंट जा रही है एसी के लिए सरल निकल गई डीसी आगे निकल गई फिर छान लिया आपने तो इस तरीके से इस तरह से फिल्टर सर्किट यूज कर लेते हैं करंट को ये जो पल्स आ रही थी इसको फ्लैट करंट यानी डीसी स्मूथ डीसी लेने के लिए स्मूथ डीसी मिल जाती है तो ये भी बात समझ में आ जाती है बात पकड़ में आ रही होगी अब कुछ बातें आगे और करते हैं बेटा अब देखिए क्या है फोटोनिक पी एन जंक्शन डिवाइसेस अब ये क्या होती है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन so जो करंट बदल रहे हैं फ्रॉम बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड बराबर बाई लाइट फोटो की वजह से हो जाए कन्वर्सली थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बाई वोल्टेज की वजह से हो जाए या एमिशन ऑफ लाइट की वजह से हो जाए दीज सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेज आर कॉल्ड फोटोनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी लाइट की वजह से जो हम चेंज करेंगे वो बन जाएगी आपको कौन सी ऑप्टो वाली फोटोनिक डिवाइसेज फोटोन लाइट अब ये कुछ एग्जाम्पल्स उसके द फोटोनिक पी जंक्शन डिवाइस कैन बी एज एस पहले को बोलते हैं फोटो डिटेक्टर एग्जाम्पल क्या है फोटो सोलर सेल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी यानी लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब जो समझते हैं आप ये तीनों बातें तो एक एक करके देख लेते हैं अंदाजे के तौर पर बस क्लास कहानी हो जाएगी ये हमारा रहा फोटो डायोड तो फोटो डायट देखिए बनी हुई नहीं। ए फोटो डायोड पी ए फोटो ए है उधर ट्रांसपेरेंट विंडो लगा देते हैं जिससे कि लाइट इस पे फॉल कर सके अब इस जंक्शन पे लाइट फॉल कर जाती है तो जंक्शन पे लाइट फॉल कर जाएगी एक्साइटेशन होगा और इलेक्ट्रॉन होल्स अपनी कहानी समेटना शुरू कर देंगे ये उसका ग्राफ है डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी आप डालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट देखिए लाइट सेचुरेशन करंट अलग अलग मिलेगी रिवर्स बाइसिंग में नॉर्मली लगाते हैं इसको तो ए फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस इसको नॉर्मली रिवर्स बाइसिंग में लगाते हैं देखिए पी इस प्लस वाले को एन से जोड़ा है इस पी वाले को माइनस से जोड़ा है तो रिवर्स बाइसिंग में बहुत छोटी सी करंट रहती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वो थ्री शोल्ड से या कटिन वोल्टेज से कम लगाते हैं जैसे करंट कमी मिले तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट पड़ने पर वो डिफरेंट डिफरेंट आपको करंट मिल जाती है तो ये कहा ये हम यूज करते हैं फोटो डाय, डायोड्स में जहां पर मतलब मान लीजिए कहीं लगाया अपने अब तो इतने बड़े घर उतनी पिछवाड़े कहीं लगा दिया कि कूदे तो पता चले तो डिफरेंट करंट आप देख रहे हैं लाइट पड़ रही है डिफरेंट करंट आ रही है कोई बीच में आ गया कोई लाइट बदल गई करंट में तो दूसरी करंट मिल जाएगी और यहां आपको पता चल जाएगा तो करंट की इंटेंसिटी बदलने पर जो जो यहां पर लाइट पड़ रही है करंट के वेरिएशन ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये बदलेगी तो करंट की सेचुरेशन वैल्यू बदल जाएगी उससे आप पता कर सकते हैं कौन आया कौन गया क्या कहानी और भी कई चीजें की जाती हैं यूजेस ऑफ फोटोडाइट इन डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्शन में लेते हैं इन डी ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेस लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में भी लेते हैं लाइट से ऑपरेटेड स्विच ऑन हो जाए ऑफ हो जाए लाइट प्रकाश पड़ा और लाइट जल गई अंधेरा हुआ लाइट बंद हो गई या उल्टा अंधेरा हुआ तो लाइट जल गई कहीं लगा होता अपने आप लाइट ऑन हो जाती है स्ट्रीट पर अंधेरा होने के बाद इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेज इन स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड्स कंप्यूटर पंस्ट कार्ड्स को फटाफट रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स बैंक बैंक में नोटों की गिनती होती होगी देखा होगा मशीन में डाल देते हैं भर गिन गए सौ नोट निकले उसके अंदर वो भी इससे कर लेते हैं बहुत तेजी से तो ये सब वहां यूज किया जाता है आप डायग्राम वगैरह पकड़ लीजिए बहुत है इतना जानने के लिए कम से कम अच्छा एक नोमिकल सा है उसको भी देख लेते हैं थ्री फोटो डायट्स डी वन डी टू डी थ्री आर मेड ऑफ सभी कंडक्टर्स हैविंग बैंड डी वन का टू पॉइंट फाइव है इलेक्ट्रॉन वोल्ट d2 का 2 टू, टू है और d3 का तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रेस्पेक्टिवली विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 हजार एमस्ट्रॉग तो इसको समझने के लिए देखिए हम यहां पे 6000 हजार एमस्ट्रॉग के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं पहले तो आप जानते हैं फोटोन की एनर्जी होती है एचन न्यू तो न्यू से वैल्यू रख दीजिए इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा एच सी तो होते कॉन्स्टेंट वैल्यू डाल दिया लेमडा यहां दे रखा है छह हजार वैल्यू रखी और हमने क्या देखा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको मिल रही है इसका डिटेक्शन कौन कर पाएगा फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन टू बी डिटेक्टेड बाय द फोटो डायोड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द बैंड गैप जो बैंड गैप था ईजी उससे बड़ी एनर्जी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन रूम के पहुंचेगा यहां तभी तो बात बनेगी दिस इज ट्रू ओनली फॉर डी2 तो डी2 वाला ही आपको निकाल पाएगा क्योंकि एनर्जी कितनी 2.06 2.06 2.5 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है तो देयरफॉर ओनली D2 विल डिटेक्ट दिस रेडिएशन D2 ये डिटेक्ट कर लेगा इस रेडिएशन को तो कोई सिग्नल है इसका जिसको D2 आराम से डिटेक्ट कर लेगा बाकी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है साहब लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब घर में लगाते हैं हम लोग हर जगह एलईडी देखे होंगे ऐसा हो नहीं सकता एलईडी ना देखे हो तो इट इज ए हेविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस बहुत ही ज्यादा डोपिंग की जाती है फॉरवर्ड वाइसिंग लगाई जाती है पिछले वाले में देखा था आपने रिवर्स बाइसिंग यूज की गई थी फोटोडायोड्स में इज फोटोडायनियसली कन्वर्ट द बाइसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिलती है जो सप्लाई बैटरी से करते हैं इन टू ऑप्टिकल एनर्जी तो ऑप्टिकल एनर्जी के अंदर वो रोशनी दे देता है लाइक इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट यहां पर देखिए प्लस वाले को हम लोगों ने पी से कनेक्ट किया फॉरवर्ड वाइसिंग और निगेटिव वाले को माइनस से कनेक्ट किया है और जब इसको देते हैं तो ये यह यहां से लाइट निकालता है एलईडी देखें लाइट एलईडी बल्ब यहां भी लगे हैं आपके घर में भी लगे होंगे और ये मेटलाइज कांटेक्ट बना देते हैं जिससे हमें इसको कनेक्ट करना आसान हो मेटल लगा देते हैं जिससे हम कनेक्शन आराम से कर सकें तो ये पीएन जंक्शन मेड फ्रॉम इट ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूटेंट का मतलब होता है पारदर्शी आर पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट तो मतलब जो आर पार दिखे, शीशा जैसे, और मेटेलाइज कॉन्टेक्ट लगे यहां पर वैसी चीजें लगा दी जो रोशनी निकले तो बाहर निकल पाए ये इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कई तरीके से ये बनाया दो एरो बना दिए फॉर दिखाते हुए आप देख ही पा रहे हैं तरह तरह से बनाए जाते हैं

वो मेरे ख्याल सौ एंगस्ट्रॉम से लेकर पांच सौ के बीच रहती है Bandwidth, मतलब जो राइट निकालेगा वो इतना ही फर्क में जाएगी सौ से पांच सौ तो होती है 7, 7, तो इंफ्रा रेड येलो किसी भी कलर की आप चाहे येलो नीली पीली गुलाबी जो भी बनाना चाहें उस तरह की लाइट आप बना सकते हैं इसमें तो एलईडी लाइट बहुत कलर की आती है आपने देखा भी होगा मल्टी कलर भी आती है एडवांटेज क्या एलईडी लाइट का एडवांटेजेस ऑफ एलईडी लाइट ओवर कन्वेंशनल इंडिसेंट बल्ब इंडिसेंट इन कौन से थे बल्ब जो बल्ब नहीं आते थे सौ वाट के जो लगा दो और हीट एनर्जी से लाइट देते थे गर्म होकर फिलामेंट वाले उसकी जगह ये बड़े फायदेमंद की कहानी है क्यों लो ऑपरेशनल वोल्टेज है कम वोल्टेज पे चल जाते हैं लेस पावर कंजम्पशन है आप जानते ही नौ दस वाट पंद्रह वाट के अंदर घर में उजा, उजाला हो जाता है फास्ट एक्शन है जैसे ही जलाओ तुरंत जलते हैं गर्म होने के बाद नहीं देते कोई गर्मी नहीं इसमें ऑन करते ही खटाक से और कोई वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड नहीं है बैंडविड्थ इसकी देखिए सौ से पांच सौ इंस्ट्राम तक है तो मोनोक्रोमेटिक लाइफ है लगभग इसकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसकी लॉन्ग लाइफ लाती जल्दी टूटते फूटते नहीं लाइफ बहुत ज्यादा है खूब कस के यूज कीजिए जल्दी खराब नहीं होते फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी इसको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करेंगे तो खराब नहीं होंगे आप पहले कहते थे ऑन ऑफ जल्दी जल्दी करके फ्यूज हो जाएगा बल एलईडी को आप दिन भर ऑन ऑफ करते रहिए वो उस वजह से नहीं खराब होगा किसी और वजह से खराब बने हो तो ऑन ऑफ करने से खराब नहीं होता स्विचिंग केपेबिलिटी इसकी बहुत तगड़ी है लाइट लाइटिंग डायोड के यूजेस इंफ्रारेड एलईडीज आर यूज्ड इन अलार्म सिस्टम तो इंफ्रारेड एलईडी यूज रेड एलईडी अलार्म मतलब चोर वोर के कूद पड़ा पीछे लाइट आपने डाल रखी उसको दिख नहीं रही इंफ्रा में अब क्रॉस किया और करंट फ्लो नहीं बंद हो गई और अलार्म बजना शुरू हो गया मान लीजिए पिछवाड़े आपने लगाया आंगन में वैसे तो ये सब बड़ी हवेली में लगता है तो वो हाई फाई लोग लगवाएंगे नॉर्मल तो घर ही में रहते हैं चार कमरे उसी में रह ले बड़ी बात आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात तो बर्गुलर अलार्म सिस्टम है कि यहाँ लाइट जा रही है इंफ्रा बीच में कोई मान लीजिए यहाँ से जैसे जैसे समझिए यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है कैमरे से निकल के यहाँ अब ये लाइट जा रही है सब कुछ बढ़िया चल रहा है अब जैसे हम बीच में आ जाएंगे इंफ्रारेड रेड के बीच हमें तो दिख नहीं रही इंफ्रारेड वो शन बंद हो गई और वो वहां पे सिग्नल मिल गए और वहां आवाज आनी शुरू हो गई अलार्म बजना शुरू हो गया इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर यूज किया जाता है इन इमेज स्कैनिंग सर्किट्स में यूज होता है एलई आर यूज एज इंडिकेटर लैम्प इन रेडियो रिसीवर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स साथ में हैंड कैलकुलेटर्स में यूज होता है कैश रजिस्टर्स में होता है डिजिटल क्लॉक्स में आपने देखा होगा ना ऐसे छह लिखा हो तो ऐसे लिखा होता है ऐसे कुछ बन के लिखा होता है ना डंडी डंडी होती है ऐसे करके डिजिटल जीरो बनता है तो ऐसे बना होता है डिजिटली समझ पाए होंगे तो ये सब कैसे बना लिए जाते हैं डायोड से बना लेते हैं उसी हिसाब से जल जाता है ये बात समझ पाए होंगे ऐसे ही ये बेसिकली ये डायोड ऐसे होते हैं सब अब ऐसे में जो जलाना हो इसमें सारी गिनतियां बना लेते हैं जीरो बनाना तो वाला बंद कर दो सेवन बनाना हो तो ये तीन बंद कर दो ये सेवन बन जाएगा छह बनाना हो तो ये ऐसे छह बना दो उजाला बंद कर दो ऐसे गिनती बना लेते हैं समझ पाए होंगे ठीक है एलईडी हो गई अब सोलर सेल की बात करते हैं ये भी कोर्स में पूरे ही निपट लेते हैं इससे है ना? आ जाओ। में क्या? वो चार्ज हो जाता है बड़ी अच्छी बात है इट इज जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इज बेस्ड ऑन फोटो वोटाइक इफेक्ट जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बम्बारमेंट ऑफ लाइट फोटॉन्स लाइट फोटॉन्स पड़ेंगे बम्बारमेंट की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा और आप उसकी एनर्जी को सेव कर सकते हैं ये उसका डायग्राम है ये देखिए सेमीकंडक्टर टाइप के लगे होते हैं पीछे बैक कांटेक्ट में आप लगा सकते हैं जिससे कि आप आराम से जोड़ पाए ऊपर देखिए टॉप सरफेस पे एन के ऊपर ये फिंगर्स स्ट्रक्चर होते हैं पतले पतले रॉड्स देख पा रहे होंगे ये फिंगर इलेक्ट्रोड क्यों क्योंकि फिंगर इलेक्ट्रोड इसलिए रहते हैं कि, कि कनेक्शन भी बना रहे और जो लाइट पड़ रही है वो ज्यादा पड़े ज्यादा मोटे मोटे लगा देंगे तो सौ लाइट पड़ने की जगह पचासी पड़ेगी अब इस सिचुएशन में क्या है कि मान लो किसेंट तक तो ओपन स्पेस रखते हैं हम लोग जिससे कि लाइट सुचारू रूप से पड़ जाए अब यहां देखिए एचन न्यू लिखा हुआ है इससे सोलर होल इलेक्ट्रॉन वगैरह दाएं बाएं हुए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ऊपर नीचे और हमने बैटरी जोड़ दी इसको देखिए इस जंक्शन पे बैटरी जोड़ के उसको सेव कर लेते हैं ये इसका डायग्राम है ग्राफ का ये पकड़ सकते हैं आप द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मेटीरियल किनको सोलर बना सकते हैं तो बैंड गैप होना चाहिए इतने के बीच में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वन पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्बन होना चाहिए भाई रेडिएशन पड़े तो एब्जॉर्व कर पावे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो कॉस्ट फैक्टर तो हुई हो ही हो ज्यादा पैसे खर्च होंगे तो कैसे बन पाएगा तो ये सोलर सेल की बात कर लेते हैं हम लोग आगे देखिए सोलर सेल की कुछ बात एडवांटेजेस क्या हैं पॉल्यूशन फ्री है लॉन्ग लास्टिंग है मेंटेनेंस फ्री है यूज ऑफ सोलर सेल्स बड़े अच्छे हैं भाई जहाँ चाहो गांव खेड़ों में लगा दो कोई दिक्कत नहीं टू चार सोलर बैटरीज इन डे टाइम एंड यूज दम इन लाइट दिन में चार्ज करो सूरज देवता की मेहरबानी से और रात को यूज कीजिए और जिस दिन सूरज देवता ना निकले वो बहुत कम होता भारतवर्ष में अधिकतर जो एरिया भारतवर्ष में वो सब धूप वाला ही है अधिकतर बाकी तो हैं कुछ ठंडे इन लाइट मीटर्स इन फोटोग्राफी रिस्ट वॉच एंड हैंड कैलकुलेटर्स में भी यूज़ होते हैं सोलर लगे होते हैं ना आपने देखे होंगे ये देखिए ये जैसे एक कैलकुलेटर रखा है ऐसे लगे होते हैं बहुत गंदा लग रहा है ये ऊपर देखिए पता नहीं कितना दिख रहा है ये सोलर वाले बने रहते हैं खाँचे ऐसे तो वो बने रहते हैं वो उसी लिए है सोलर लाइट से भी हो जाता है इसका काम तो इसके लिए धूप जरूरी नहीं है लाइट से ही पकड़ लेता है स्पेस क्राफ्ट यूजेज अरेज ऑफ सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी बात हो जाती है आगे देखिए एडवांटेजेस ऑफ सेमी कंडक्टर डायोट ओवर वैक्यूम डायोड्स तो जो सेमी कंडक्टेड डायोट्स थे ये वाले से कैसे ज्यादा बेहतर थे बहुत खूबी थी इनके अंदर है क्यों नो कैथोड हीटिंग हीटिंग इसमें heating होती ही नहीं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर के लिए तो अच्छी बात है खराब नहीं होंगे एडिट और टाइम भी नहीं लगेगा ऑपरेशनल टाइम पहले होते थे इसे मैंने बताया कि टीवी मेरे घर में ली गई थी 1984 के आसपास याद आता है मुझे टेलीविस्टर नाम की टीवी थी और उसमें कैथोड वाली थी तो ऑन करो तो 10-20 सेकंड लगते थे उसको ऑन होने में धीरे से उसके लाइट जलती थी पिक्चर आती थी फिर धीरे 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 पिक्चर खुल के आती थी तो समय लग जाता था बाद में थोड़ी ढीली पड़ गई थी तो आधा आधा मिनट लगने लगा था तो इट कैन बी यूज फॉर मच हाइयर फ्रीक्वेंसीज इट हैज ये इट स्टार्ट ऑपरेटिंग एज सुन एज ए स्विच ऑन जैसे ऑन करोगे वैसे ही फटाक से चालू हो जाता है ज टू बी क्रिएटेड कोई वैक्यूम नहीं क्रिएट करना है जो आपको लॉस करे एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है इट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर भाई टेम्परेचर से ये सेमीकंडक्टर्स की थोड़ी सी दिक्कत रहती है एंड गेट्स बर्न अप इवन इफ ए मॉडरेटली हाई करंट इज पास थ्रू इट करंट की वैल्यू 19 20 अगर होगी तो जल जाने का खतरा इसमें बना रहेगा